फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल टू द फर्स्ट प्रोसन, वेरी फर्स्ट प्रोसन वर्कशॉप, ठीक है। एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू बिकॉज ये स्टेप लेना ही बहुत बड़ी बात है। पहले तो कि हेल्थ को प्रायोरिटी दी आप लोगों ने, घर बैठ सकते थे, संडे है, आलस हो सकता था, सो सकते थे देर तक, बट दिस इज फर्स्ट मोस्ट स्टेप जो आपने ले लिया कि इसके बाद फिर चेंजेस शुरू होते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स डू नॉट रिकमेंड डूइंग जिम वर्क्स और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, मोस्टली ज्यादातर लोग बोलते हैं वॉक करो वॉक करो वॉक करो। हैव यू एवर सीन कि किसी की दवाइयां बंद हो रही है? हम दवाइयां शुरू कर रहे हैं, बीपी हो, शुगर हो, एनीथिंग, बट उसके बाद बंद कभी भी नहीं कर रहे हैं और हम फिर एक तरह से बीमारी के साथ जी रहे हैं, मैनेजिंग द लाइफ, नॉट हीलिंग प्रॉपरली। बीमारियां खत्म तो हो ही नहीं रही, तो उसका रीजन यही है कि हम लोग मेडिकल नॉलेज और एक्सरसाइज नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके फॉलो अप नहीं कर पा रहे, एंड दैट इज वेयर दिस वर्कशॉप विल कम इन टू पिक्चर। एंड आई गारंटी यू ऑल कि आपका इतना एफर्ट जो है ना, एवरी माइक्रो सेकेंड विल काउंट, दिस एक्सपीरियंस विल बी ए लाइफ टाइम ऑफ ए चेंज आपकी पूरी फैमिली के लिए। ओके, नाउ पहले तो हम ये समझे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होता क्या है, लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट, की है क्या, जानेंगे उसके बारे में तभी समझ पाएंगे। रेजिस्टेंस एज द नेम सजेस्ट, कि एक्सरसाइज करना किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। इट कैन बी ए वेट लाइक दिस ए डंबल, इट कैन बी ए प्लेट, जैसे वेट प्लेट्स होती हैं, यू कैन इवन यूज दीज, दीज आर एंकल वेट्स, आई मोस्टली यूज देम, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे। और रेजिस्टेंस बैंड्स आते हैं, वो भी छोड़ो, अगर कुछ भी नहीं है, लोग सोचते हैं हम ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ग्रेविटी इज ऑल्सो ए रेजिस्टेंस फॉर यू, इसीलिए इन एक्सरसाइजेस का नाम एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज अ स्क्वाट, मैं नीचे गया, मुझे ग्रेविटी नीचे खींच रही है, बट मुझे एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना ऊपर जाने के लिए। दिस इज वेयर वी आर वर्किंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। जब भी आप अभी हम शुरू करेंगे जो एक्सरसाइजेस, तो पहले जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो बॉडी वेट एक्सरसाइज ही करेंगे। आपका बॉडी वेट भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है जब वो ग्रेविटी के साथ मिलता है। और वैसे भी आप देखो, हम जानते नहीं, अगर इसको टेक्निकली समझेंगे तो आप बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हो, इसको लिफ्ट कर रहे हो अगेंस्ट ग्रेविटी और इसके साथ ही नीचे जा रहे हो विद ग्रेविटी, बट यहाँ दोनों में एफर्ट हम यूज कर सकते हैं, ये अभी आपको सब बताऊंगा मैं। तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मीन्स वर्किंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस डूइंग, और ये कोई नया कुछ ऐसा नहीं है कि जिम बहुत कहते हैं ना कि नया कुछ आ गया है, ये योगा पोजेस से ही मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे थ्री इडियट्स में डेफिनेशन आमिर खान ने बोली मशीन्स को लेके कि भाई जिम में तो बहुत मुश्किल हो गया, उसके प्रोफेसर ने, क्योंकि वो तो मूवीज है, उसके प्रोफेसर को उसको आंसर देना चाहिए था कि ये मशीन्स भी हमारा पर्पस इजी कर रही है, जैसे एवरी इंजीनियरिंग टूल डू दैट। तो ये क्या कर रही है, क्यों हमें ये करनी है, आपको वॉक करने को बोलता हूँ, करके देखो वॉक, आप एक घंटा वॉक करते हो, 5 किलोमीटर वॉक होती है आपकी, हार्डली उसमें 70 कैलोरीज पर किलोमीटर बर्न होती है, 300 कैलोरी बर्न नहीं होती, जिससे मुश्किल से 2 कप चाय नहीं आपके एफर्ट आते। अब सबके पास टाइम लिमिटेड है और वॉक की एक्सरसाइज आपके मसल्स को भी बिल्ड नहीं करेगी, तो ये एक्सरसाइज करने से हमारा एफर्ट कम हो जाता है, रिजल्ट ज्यादा आते हैं उतने ही टाइम में, उतने ही कम टाइम यूज करके हमारे एफर्ट्स कम लगाने के बाद रिजल्ट बढ़ जाते हैं। ओके, तो दैट इज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसको कुछ लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बोलते हैं, जो एक मिसनोमर है, वो पार्टली इसको समझाता है, ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं है, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज करेक्ट। वो मैं आपको पर्पसेस जब बताऊंगा तो बताऊंगा। अब सवाल उठता है कि ये क्यों करनी है, क्यों हम लोग इतना पीछे पड़े हैं इसके, इस प्रोग्राम में। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम सबको पता होंगे, हम एक्सरसाइज जानते हैं कि करनी है बट करता कोई नहीं है रेगुलरली, रीजन बीइंग हम नॉलेज नहीं रखते, ये टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते एक्सरसाइज में, इन्वेस्टमेंट समझो, आपके हेल्थ के लिए एक इन्वेस्टमेंट है ये सारा टाइम जो अभी आप स्पेंड कर रहे हैं। तो क्यों करनी है, सबसे पहला काम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि सभी बीमारियां, 90% ऑफ ह्यूमन डिजीज, अगर हम नंबर वाइज स्टैटिस्टिकली बात करें तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से हमें सारी बीमारी होती है। अब मोटापा देख लो, इवन लोग सोचते हैं न्यूरोडिजनरेटिव, अल्जाइमर डिजीज का नाम सुना है हम सबने, अब अल्जाइमर डिजीज का नाम बदल के टाइप 3 डायबिटीज मेलाइटस कर दिया गया WHO के द्वारा। क्यों, कि जैसे जैसे आप जितना साल डायबिटीज के साथ या इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ जीते हो, उतना ही आपकी नर्व्स ज्यादा डैमेज करती है, और फिर मोटापा और सारी जितनी बीमारियों के नाम लो, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, सबके पीछे कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब आप लोगों ने प्रोग्राम में इंडक्ट किया था, हम सबने आपके ब्लड टेस्ट कराए थे, आप सबका इंसुलिन लेवल बढ़ के आया था, और यही इनडायरेक्टली CRP बढ़ाता है, जिसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन बढ़ाता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी बॉडी में बढ़ता है। तो पहला जो काम है इंसुलिन की रेजिस्टेंस को खत्म करना, कैसे, इंसुलिन के रिसेप्टर्स हमारे मसल्स में सबसे ज्यादा होते हैं, दो पूरी बॉडी के हर सेल्स में है रिसेप्टर, बट जैसे जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं सारा टाइम हमारा कुर्सी पे निकल जाता है, बाय मिडल एज, अब तो और कम हो गया, 25 के आसपास
30 के आसपास धीरे धीरे मसल रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉलेज लाइफ तक हम मसल यूज करते हैं, एफर्ट करते हैं, सीढ़ियां वीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे सिटिंग में ज्यादा टाइम निकल जाता है, तो ये इंसुलिन के रिसेप्टर कम हो जाते हैं हमारी बॉडी में। अब इसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। जब आप क्रिएट करते हो, जब आप डिमांड क्रिएट करते हो मसल के ऊपर, तो मसल बोलते हैं मुझे, मसल किस पे काम करते हैं, ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज उसके अंदर जाने के लिए उसको चाहिए एक रिसेप्टर, वो रिसेप्टर की संख्या बढ़ने लगती है, तो वही मात्रा इंसुलिन की अब ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो धीरे धीरे आपके इंसुलिन लेवल कम होने लगते हैं। तो एक तो ये हो गया, सेकेंड तो इंसुलिन रिसेप्टर कम होगा बढ़ेगा सॉरी तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी, तभी आपका मोटापा, डायबिटीज और पीसीओडी रिवर्स हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा, कितनी मर्जी आप दवाई खाओ। तो आपने सुना भी होगा इंसुलिन के लोग इंजेक्शन तक ले रहे हैं लेकिन उनसे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, आउट ऑफ कंट्रोल ही चली जा रही है और इंसुलिन की लिमिट, क्योंकि इंसुलिन तो हमने भर दी उनकी बॉडी में लेकिन उसके रिसेप्टर ही नहीं है, तो वो जाएंगे कहां, लगेंगे कहां और कहां से वो ग्लूकोज बर्न करेंगे। सेकंड, नाइट्रिक ऑक्साइड डंप या ऑप्टिमाइजेशन। सबको बीपी रहता है, बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बीपी क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारी आर्टरीज एज के साथ हार्ड हो जाती है। अब वो आर्टरीज हार्ड है, वो अब कंप्लायंट नहीं रहेगी, तो उसके अंदर से जब ब्लड जाएगा तो वो मूव नहीं कर रही है, तो वो धीरे 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 वो बीपी आपको होता है उसी से। और हमारी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज इतनी अच्छी है बॉडी की, इस बीपी के अगेंस्ट हमारी बॉडी नाइट्रिक ऑक्साइड सेक्रेट करती है जो हमारी आर्टरीज में होता है। लेकिन ये काम क्या करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और सॉफ्टन करता है, यानी आप यंग कर सकते हो अपनी ब्लड वेसल्स को, लेकिन उसके लिए इस नाइट्रिक ऑक्साइड को आर्टरी से निकल के ब्लड में आना पड़ेगा। अब उसके लिए करना पड़ेगा नाइट्रिक ऑक्साइड डंप एक्सरसाइज। ऑल दीज एक्सरसाइजेस जो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट करते हो, ये सब स्क्वाट्स हो गया, सीढ़ियां चढ़ना हो गया, साइकिलिंग हो गया, एनीथिंग यू डू अगेंस्ट ग्रेविटी इज नाइट्रिक ऑक्साइड डंप, इट इज डंपिंग नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू योर ब्लड। और हमारे क्लिनिकल केसेस है बहुत सारे जिनमें हमने नाइट्रिक ऑक्साइड रिच डाइट देखे, विच इज रिचेस्ट सोर्स इज बीटरूट या अदरक में बहुत होता है, लहसुन में होता है, ये सब स्मूदीज के फॉर्म में देना और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सरसाइज करवा के बहुत सारे लोगों की ब्लॉकेजेस तक कम हुई है हार्ट की, और उनको जिनको बाईपास बोल दिया गया था उनको भी, मेरे पास केसेस भी है, हमने अपलोड भी किए थे, उनके तक कोई बाईपास या कोई स्टेंटिंग की जरूरत नहीं है और 5-5, 6-6 साल हो गए जिनकी अबव 90% ब्लॉकेजेस थी, उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ कैल्शियम स्कोर जो 400 होता है तो 90% होते हैं, उनके 2400 ऐसे केसेस हैं हमारे। थर्ड, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मीन्स आपके हार्ट मसल्स टाइम के साथ वीक पड़ते हैं, अगेन वही बात, इधर यूज इट और लूज इट। जब तक हम डिमांड नहीं क्रिएट करते हार्ट कार्डियोवैस्कुलर मसल्स पे, और उनको ठीक करने के लिए यही तरीका है, आपको एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी तभी आप उस पर एफर्ट कर सकते हो। देन एज के साथ, देखिए हमारी जो बॉडी है, आप इंडिपेंडेंट यहाँ ऊपर तक आए कैसे आए, आप कभी ध्यान नहीं देते इस बात को, अगर लिफ्ट नहीं होती तो क्या करते, आपको अपने मसल्स ही यूज करने पड़ते, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ इंडिपेंडेंस इज आवर मसल्स। हम मसल्स पे ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी, लेकिन आप इंडिपेंडेंट, अभी देर आर 3 countries जहाँ पे यूथनेजिया यानी कि फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड कह लो या फिजिशियन असिस्टेड डेथ कह लो, कई बीमारियां होती है ना, चाहे लाइलाज बीमारी है, उनमें हम लोगों को मजबूरी में पेशेंट के डेथ एंड पे यूथनेजिया देना पड़ता है, यानी हम उनके दर्द को और नहीं सह सकते और हमें उनको डेथ इंड्यूस करनी पड़ती है। ऐसी 3 countries है जिन्होंने इसको लीगलाइज किया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एंड स्विट्जरलैंड, एंड देर आर 3 states इन US ऑल्सो, ओरेगन एंड आई थिंक वॉशिंगटन में भी ये लीगलाइज है अगर कोर्ट ऑर्डर करता है। इन सबकी जितनी यूथनेजिया डेथ आज तक हुई है टोटल, उनका डाटा लिया लोगों ने और उनसे पूछा कि भाई आप ये क्यों ऑप्ट कर रहे हो, तो उन्होंने क्या बोला कि 75% लोगों का ये था कि हम अब डिपेंडेंट हो गए हैं बाकी लोगों के ऊपर हमारी जनरलाइज मूवमेंट के लिए, डे टू डे एक्टिविटी के लिए, तो उन्होंने डेथ चुनना बेटर समझा। तो यही कारण है इसको इसलिए इंपॉर्टेंस देने जरूरी है। और एज के साथ हमारी बॉडी में आप देख भी रहे होंगे, आप 25 साल के जब थे या 20 साल के जब थे, आपके मसल लूज होते हैं और फैट गेन होते हैं, आपकी लीन मसल मास कम होता जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, और उसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मसल्स के काम करवा के उनके फाइबर्स को ग्रोथ किया, जो कि आज हम एंटी ग्रेविटी या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज में ही कर सकते हैं, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे प्रोग्राम में, प्रोत्साहन प्रोग्राम। देन ऑस्टियोपोरोसिस, टाइम के साथ हमारी बोन्स कैल्शियम लूज करती है, हमारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, फीमेल्स मेल्स दोनों में टेस्टोस्टेरोन और जितने गोनेडल हार्मोन्स है सब कम होते हैं, तो हमारी बोन लॉस होने लगती है, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एज के साथ झुक जाती है कमर, ऑफकोर्स विटामिन डी, धूप, ये सब भी जरूरी है उसके लिए। उसके अलावा जब तक आप क्रिएट नहीं करोगे, जब आप एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हो या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, तो आप क्रिएट करते हो डिमांड अपनी बोन के ऊपर, तो बोन में ब्लड ज्यादा जाता है और इसमें जो कैल्शियम डिपॉजिट होने वाले सेल्स हैं वो ज्यादा काम करते हैं,
तो आप धीरे धीरे बोन लॉस को भी बचाते हो। और सबसे बड़ी बात, ये कैंसर प्रिवेंशन में भी उतना ही रोल अदा करती है, क्योंकि कैंसर के लिए भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैंसर सेल्स में भी इंसुलिन के रिसेप्टर 50 गुना ज्यादा है हमारे नॉर्मल सेल्स। तो जैसे जैसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस में जीते हैं, हम कैंसर सेल्स को प्रमोट करते हैं। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को जब हम रिवर्स कर रहे हैं इन एक्सरसाइजेस को यूज करके, तो आप एक तरह से कैंसर प्रिवेंशन पे भी काम करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए पर्पसेस, इन सबको आप याद रखोगे तो जिस दिन आपका मन करता है ना सुबह आलस मारने की, मेरे को नहीं उठना, जब ये पर्पस आपके दिमाग में आ जाएंगे ना, स्ट्रोक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सबसे बड़े किलर्स हैं। अगर हमने डाटा देखें, 52% लोगों की डेथ सिर्फ एक कार्डियोवैस्कुलर इवेंट की वजह से होती है, चाहे वो स्ट्रोक हो चाहे वो हार्ट डिजीज हो। उसके बाद नंबर आता है कैंसर का, फिर डायबिटीज का, और डायबिटीज इनडायरेक्टली ये सबके पीछे का कारण है। तो इस टोटल नंबर को अगर आपको कम करना है तो ये आप, और 8 मिनट की, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बोलती है, 8 मिनट की एंटी ग्रेविटी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से आप 5 गुना तक अपना कम कर लेते हो हार्ट अटैक के चांसेस को, 5 गुना सिर्फ 8 मिनट एफर्ट करके, तो क्यों ना की जाए। अब सवाल उठता है कि इसके पर्पसेस क्या है, ये तो आपने जान लिए बेनिफिट्स, नाउ पर्पसेस, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है, जिम तो सब जाते हैं, आपके बच्चे भी जाते हैं लेकिन उनको भी नहीं पता है, ना आपके कोई ट्रेनर ये बताने वाला है, किसी भी जिम ट्रेनर में या जिम में कोई नहीं बताता है। तीन पर्पस होते हैं इन एक्सरसाइजेस के, या जिम जाने के या वेट ट्रेनिंग करने के, ये तीन पर्पस है। पहला है हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी नाम से पता चलता है मसल्स के साइज को बढ़ाना, हाइपरट्रॉफी का मतलब है आपने मसल साइज को बढ़ाना है। सारा यूथ सिर्फ इसीलिए जा रहा है ताकि वो मसल बड़े दिखे, ताकतवर दिखे, सिर्फ यही देखना चाहते हैं, इसके और पर्पसेस का उनको पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, तो वो आगे का एफर्ट ही नहीं करते। तो हाइपरट्रॉफी ऑफ कोर्स अच्छा दिखना कोलेटरल बेनिफिट है, और जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम मसल लूज करेंगे मेडिकली अगर सोचे एज के साथ, तो हमें इसका साइज बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं आगे एज के साथ। सेकेंड इसका काम होता है एंड्यूरेंस, इस पे कोई काम नहीं करता, एंड्यूरेंस का मतलब स्टेमिना, आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को बिना थके कितनी देर तक कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देता हूँ, अब जब से कोविड हुआ सब का काम ऑनलाइन हो गया, अब सबको यहाँ दर्द रहने लग गया ना, खुद बताओ, सबको सर्वाइकल बोलते हो, पोस्टर का इशू बोलते हो, सारा दिन कंप्यूटर पर बैठे बस यहाँ दर्द हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाले मसल्स हमारे जो ट्रैप्स हैं या सर्वाइकल मसल्स, इनमें वो ताकत ही नहीं थी कि इतना लंबा सस्टेंड वर्क करें। आज हम फोकस स्पेशली करेंगे सर्वाइकल मसल्स पे, क्योंकि अब हमारा काम ऐसी जिंदगी रहने वाली आ गई, कम नहीं होने वाला कंप्यूटर, तो हम उन मसल्स को क्यों ना एंड्यूरेंस इतनी बढ़ा दें कि अगर 10-10 घंटे भी बैठना पड़े हमें तो हमें ये पेन ना हो। तीसरा स्ट्रेंथ, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन स्ट्रेंथ, ताकत। आज आप अभी जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको बड़ा एफर्ट लगेगा 2-2.5 किलो भी डंबल्स को उठाने में, लेकिन अगर ये एक हफ्ता 10 दिन आप करते रहोगे तो ये आपको बड़ा आसानी से उठने लगेगा। अब स्ट्रेंथ है, जरूरत तो पड़ी जाती है, आपका बच्चा जिद करता है, छोटा बच्चा है कि भाई मुझे उठाओ गोदी, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्या करोगे, बोलोगे उसको बहाने मारो, तो व्हाई नॉट गेन दैट स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के साथ साथ आप अपने एफर्ट्स को भी कम करके ज्यादा रिजल्ट पाओगे। अब इन तीनों पर्पस पे फोकस कैसे करना है ये भी जिम में कोई नहीं बता। अब बात शुरू होती है रेप्स एंड सेट्स की। रेप्स मींस रिपीटेशंस, सेट्स मींस रिपीटेशन का मतलब होता है मैं एक एक्सरसाइज को कितनी बार करूं। सुना होगा आपने जिम में 12, 10, 8, 6 ऐसे रैप होते हैं, ये हो गए रैप। सेट्स होते हैं, एक रैप का कलेक्टिवली एक सेट बनता है, यानी 12 किए मैंने नॉनस्टॉप, ये एक सेट हो गया। तो इस एक सेट को हम बोलते हैं कि रिपीटेशंस का ग्रुप, ये सेट माना जाता है। तो सेट और रैप्स को कैसे यूज करना है, इन तीनों जो आपको फोकस एरियाज बताए, तीनों जो एफर्ट्स बताए, तीनों जो पर्पसेस बताए, इसमें हम अपने रैप्स को चेंज कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज अडेप्टेबिलिटी, रिसर्च कहती है कि 6 हफ्ते के बाद हमारी बॉडी सेम एक्सरसाइज पे रिजल्ट दिखाना कम कर देती है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चल जाती है, अडाप्ट हो जाती है। तो अगर आप सेम रैप्स यूज कर रहे हो, सेम सेट्स यूज कर रहे हो, तो आप देखोगे थोड़े दिन के बाद रिजल्ट आने बंद हो जाते हैं, फर्दर मसल में ग्रोथ बंद हो जाती है, इसे कहते हैं एक्सरसाइज अडेप्टेबिलिटी। और आर्नोल्ड स्वाजनेगर जो फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग है, उनकी एक बुक है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ये सारा इनसाइट वहीं से, उसमें उन्होंने बोला कि हर 6 हफ्ते में, 4 से 6 हफ्ते में हमने रेप रेंजेस को चेंज करना चाहिए, नहीं तो हमारी ग्रोथ फर्दर नहीं होगी, हमारे एफर्ट्स बढ़ते जाएंगे, रिजल्ट कम होते जाएंगे। अब ये तीनों जो मैंने पर्पसेस बताया, तो उसके कैसे रेप्स को यूज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे एंड्योरेंस से, क्योंकि आप लोगों को एंड्योरेंस पे ही पहले काम करना है, क्योंकि इसमें सबसे कम इंजरी का चांस है और आपका स्टेमिना पहले बढ़ना चाहिए, तभी तो आप आगे एक्सरसाइज कर पाओगे। तो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए हमें रैप रेंज रखनी होती है 12 से 15,
अब मैं क्योंकि एक्सरसाइज कर रहा हूँ काफी टाइम से, तो मेरी वेट अलग नहीं हो सकती, आपको किसी और के लिए वो नहीं उठाने, ठीक है, कि आप किसी और को दिखाने के लिए आप उठा रहे हो वेट्स, आपको अपना खुद चुनाव करना है वेट्स का। और चुनाव कैसे करना है, हर एक्सरसाइज के अलग अलग वेट होते हैं। एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे स्क्वाट्स है, स्क्वाट्स के लेग मसल्स बहुत बड़े होते हैं, इसमें आप ज्यादा वेट भी उठा सकते हो, इसके लिए 2 किलो बहुत कम है, लेकिन वही सेम वेट में अगर बाइसेप में उठाना लगूं तो नहीं उठा पाऊंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मसल साइज छोटा है। तो आपको वो चुनाव करना है हर एक्सरसाइज में, या एक्सपीरियंस से ही कर पाओ कि आपसे एक बार करने लगो उस वेट से तो 12 से ज्यादा लगने चाहिए रैप, लेकिन 15 जाके फेलियर होना चाहिए, 15 के बाद 16वां आपसे उठे ना बिना एंड, ऐसा वेट चुनना है इसमें, एंड्योरेंस पे जब आप फर्क कर रहे हो, और यही आपका पहले 6 हफ्ते का रहेगा भी अब टारगेट यहां से। इसमें 12 से 15 रैप करने हैं, 3 सेट करने, और हर सेट के बीच में 30 सेकंड से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। हो सकता है शुरू में आपको लेना पड़े क्योंकि अभी स्टेमिना कम है, सांस फूलेगा, लेकिन 12 से 15 हमने रैप करने हैं, 30 सेकंड से ज्यादा गैप नहीं होना एक सेट के दूसरे सेट के बीच। ये हो गया एंड्योरेंस फोकस। देन हाइपरट्रॉफी, जब ये 6 हफ्ते हो जाएंगे फिर आपका सेकंड फोकस शिफ्ट होगा हाइपरट्रॉफी, क्योंकि 6 हफ्ते के बाद आपको लगेगा और चेंजेस ही नहीं आ रहे। 6 हफ्ते के बाद कैसे करना है हाइपरट्रॉफी के लिए, क्या सेट रेंज रहती है, 8 to 12, 8 से 12 के बीच में रैप्स होने चाहिए, यानी 12 बार, 12 से ज्यादा नहीं, 8 से कम नहीं। वेट भी वही चुनाव होगा कि आपसे, ये नहीं कि आपने लाइट वेट ले लिया जिससे आप 15 भी मार सकते थे लेकिन मारे 8 ही आपने रैप्स, ऐसा नहीं। तो 8 टू 12 की रेंज और 4 सेट्स, ये हाइपरट्रॉफी में फोकस होगा अगर आपको मसल साइज को बढ़ाना है तब, और इसमें भी 30 सेकंड से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए 2 सेट्स के बीच, तभी आपके एडिशनल मसल फाइबर इनकॉर्पोरेट होते हैं। यानी पहले रैप में, पहला जब आप सेट करते हो ना, कुछ मसल फाइबर स्टार्ट हो जाते हैं काम करना, अगर आपने लंबा गैप दे दिया वो फाइबर फिर बैठ जाते हैं रेस्ट, लेकिन कम गैप देके 30 सेकंड के अंदर अंदर दोबारा शुरू करते हो तो जो फाइबर शुरू हो गए थे एफर्ट करना, अब नेक्स्ट रेंज ऑफ फाइबर यूज होते हैं, इनकॉर्पोरेट होते हैं, ऐसे ही 30-30 सेकंड में सेकेंडरी फाइबर्स इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो आपके मसल डेंसिटी बढ़ती है और बेटर मसल स्ट्रेंथ होती है। थर्ड फंक्शन अब आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ। जब 6 हफ्ते 6 हफ्ते 2 बार हो गए, अब नेक्स्ट 6 वीक्स अब काम करेंगे हम स्ट्रेंथ पे। स्ट्रेंथ में जो रैप रेंज रहती है वो होती है 3 to 5, 1 भी हो सकती है, इसे कहते हैं मैक्सिमम लिमिट तक आपने पहुंचना है, तो 1 रेंज पे होती है, लेकिन 3 to 5 इज एवरेज। और इसमें आप वेट बहुत चुनोगे क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता चल रहा है रैप कम है, तो आपका वेट बहुत हैवी रहता है इसमें, जितना आपकी बिल्कुल लास्ट जो ऑप्शन है कि एक वेट से जितना 5 से ऊपर आपसे लगे ही ना, इतना वेट इसमें चुनना पड़ेगा। और इसमें सेट्स होते हैं 5 into 5, और गैप रहता है 2 मिनट्स, नॉट मोर देन 2, इट कैन बी लेस देन 2, बट 2 से ऊपर 2 मिनट से ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज की है, आपको रिकवर करने में उतना टाइम भी लगेगा, तो उसके साथ रिकवरी में जो टाइम लगना है, तो इसलिए हम इसमें गैप ज्यादा देते हैं। तो 3 पर्पस समझ गए आप, कोई डाउट है आपको किसी को तो पूछ सकते हो अभी। एंड्योरेंस, हाइपरट्रॉफी, देन स्ट्रेंथ, ऐसे हम इसी ऑर्डर में काम करेंगे। एंड्योरेंस 12 to 15 रैप्स 3 सेट्स, उसके बाद हाइपरट्रॉफी में 8 to 12 रैप्स 4 सेट्स, 30 सेकंड से ज्यादा गैप नहीं। एंड देन स्ट्रेंथ में 5 into 5, 3 to 5 into 5, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारी लाइफ याद रहना चाहिए, इससे आप जिम जाने का असली एफर्ट का फायदा उठा पाओ। अब कुछ स्मॉल न्यूएंसेस की बात करूं, छोटी चीजें जिसमें बहुत कम ध्यान देते हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्रीदिंग, ये सांस कैसे लेना एक्सरसाइज के टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सब लोग इसमें गलती कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल लेता हूँ स्क्वाट्स का, सबसे स्क्वाट्स को आर्नोल्ड ने किंग ऑफ एक्सरसाइजेस बोला है। अगर एक आदमी स्क्वाट्स ही कर लेना सिर्फ, तो भी अपनी डायबिटीज को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सही तरीके से करें। अब सांस कैसे लेना है किसी भी एक्सरसाइज में, जब आप एफर्ट पुट इन कर रहे हो, जब आप, ये आपको पता चल जाएगा, जैसे मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरे को एफर्ट नहीं लग रहा क्योंकि वो तो मैं ग्रेविटी के साथ जा रहा हूं, तो आपने सांस को इनहेल करना है। अब जब मैं एफर्ट पुट इन करूंगा यानी ऊपर जाऊंगा मुझे को दम लगाना है, तो सांस एक्सहेल कर, मुंह से भी कर सकते हो, नाक से, मुंह से करने में मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्टेमिना ज्यादा इजी होगा, पूरी बॉडी ऑक्सीजन पे काम करती है। लोग बोलते हैं सांस एक्सरसाइज करते हैं, कई लोग शिकायत करते हैं चक्कर आ जाते हैं जैसे ही मैं करता हूँ, वो इसीलिए आते हैं, एक तो प्री वर्कआउट आपका न्यूट्रिशन कम होता है, खाली पेट होते हैं, सेकेंडली ये ब्रीदिंग सही नहीं देते तो ऑक्सीजन पहुंचती नहीं आपके ब्रेन। दूसरी एग्जाम्पल ले लो बाइसेप्स की, ले लो, जब मैं एफर्ट पुट इन कर रहा हूँ ऊपर ला रहा हूँ तो सांस छोड़ूंगा, जब नीचे ले जाऊंगा तो इनहेल करूंगा, जैसे
ये हो गया। किसी भी एक्सरसाइज में जब एफर्ट पुट इन कर रहे हैं हम लोग तो एक्सहेल होगा, और जब उसकी रेस्टिंग फेज में जा रहे हैं तो इनहेल होगा। ये तो हो गया ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के बाद सेकंड है माइंड मसल कनेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई नहीं ध्यान देता। आपकी मसल ग्रोथ डबल या ट्रिपल हो सकती है अगर आप माइंड मसल कनेक्शन बना के रखें, यानी कि आपका टोटल फोकस रहना चाहिए एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज पर, ये नहीं कि फोन पे वीडियोस बना रहे हो, फोटो खींच रहे हो, उसका कोई पॉइंट पर्पस नहीं सॉल्व हो। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे मैं बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड मेरे बाइसेप के साथ फोकस होगा, तो आप माइंड मसल कनेक्शन बना के काम करोगे तो रिजल्ट आपके बहुत बेटर होगा, बहुत ज्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए एक्सरसाइज चाहे आधा घंटा करो, फोन बंद करके आपका पूरा ध्यान माइंड मसल कनेक्शन पे रहना चाहिए। तीसरा, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कोई भी एक्सरसाइज हो, कुछ भी हो, दो फेज में करते हैं हम लोग, वन इज फ्लेक्शन एंड वन इज एक्सटेंशन। और ये भी जिम में बहुत लोग आप देखते भी होंगे, एफर्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट। फ्लेक्शन मींस किसी भी चीज का आपने फ्लेक्स करना मसल्स को, इफ एफर्ट लाके ऊपर लाना, ये फ्लेक्शन होता है। और ये एक्सटेंशन होता है जिसमें मसल स्ट्रेटन होता है, कोई भी मसल। स्क्वाट्स की बात करें, ये फ्लेक्शन है और ये एक्सटेंशन है, हिप एक्सटेंड हो रहा है ना, हिप सीधा हो रहा है, ये एक्सटेंड हो रहा है, ये फ्लेक्स हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ज्यादातर लोग कहते हैं फ्लेक्शन में तो पूरा दम लगा दिया, एक्सटेंशन ऐसे छोड़ दिया, जबकि उतने ही टाइम में आप डबल फायदा उठा सकते हो। जितना आप टेंशन मेंटेन करोगे मसल्स के ऊपर, उतना ही वो ग्रो करेगा। अब क्या है, आपने फ्लेक्शन तो कर ली, एफर्ट लगाया, लेकिन नीचे भी ग्रेविटी को अपोज करके, ग्रेविटी के साथ मत जाओ, स्लो जाओ, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक। और इसमें अगर आप थोड़ा और एडिशन करो कि जहां पे आप एफर्ट मैक्सिमम पुट इन कर रहे हो, जहां सबसे मैक्सिमम रेंज होगी मूवमेंट की, वहां पे आप होल्ड करके रखो 2 सेकंड के लिए, इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस। अगर ये करोगे तो आपका मसल में ये देखो टेंशन बनी रहेगी, ये और जल्दी ग्रो करेगा, उतना ही कम टाइम में, उतना ही कम एफर्ट, ऊपर लाने में भी स्लो रखें, नीचे ले जाने में भी स्लो। ये नहीं ऐसे कर रहे हैं जैसे जिम में लोग करते हैं, आप देखे होंगे बहुत लोग ऐसे कर रहे होते हैं, उससे आप एफर्ट वेस्ट कर रहे हो और इंजरी का चांस भी बढ़ रहा है। कंट्रोल्ड वे में करोगे, आपके ज्वाइंट्स पे कम मूवमेंट दबाव पड़ेगा, कोई इंजरी होगी नहीं। माइंड मसल कनेक्शन हो गया, ब्रीदिंग समझ गए आप, फ्लेक्शन एक्सटेंशन और आइसोमेट्रिक समझ गए। नाउ स्टार्ट विद द एक्सरसाइज पार्ट, ठीक है। अब हमारी बॉडी में दो मेजर पार्ट, देखो इसमें यूज होते हैं मसल्स, ज्वाइंट्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज, ये इसी का मेन फंक्शन है पूरा। और हमारी बॉडी डिवाइडेड है अपर बॉडी लोअर बॉडी, हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे डिवाइड कर दिया। अब एक एक मसल को आप जानने लगोगे तो आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम पहले एफर्ट करेंगे लोअर बॉडी पे, क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी बिल्डिंग मजबूत होगी। और जितनी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की डिजीज है, आपके घर में डायबिटिक पेशेंट होगा, देखा होगा लेमन ऑन स्टिक अपीयरेंस बोलते हैं, पेट के आसपास तो फैट आ जाता है, लेमन बन गया, नीचे आप टूथपिक लगा देते हो लेमन ऑन स्टिक, टांगे पतली होती जाती है, देखोगे मसल लॉस होते रहते हैं। और ऐसे ही मतलब एडवांस डायबिटिक जिनको 15-20 साल हो गए, उनके तो बहुत ही लूज होके मसल्स वीक हो चुके होते हैं। तो लेग पे सबसे पहले हम काम करेंगे, तो लेग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद अपर बॉडी में जाएंगे। अपर बॉडी में हमारे कुछ पार्ट्स हैं, शोल्डर, आर्म, एब्डोमेन, बैक, चेस्ट, ऐसे सिंप्लीफाई करके आज जो रिजाइम हम आपको बताएंगे फुल बॉडी वर्कआउट को बनाएंगे, जो आपके लिए रिकमेंडेड है। जिम जाके जिम में लोग गलती ये भी करते हैं, लोगों को बहुत दर्द रहने लगता है, क्यों रहने लगता है वो बता देता हूं। आप लोग जिम जाते हो, वो ट्रेनर बोलते हैं आज तो बाइसेप करो जी, आज बैक करो, आज लेग करो, फिर आज ये करो, आज वो करो, तो उससे क्या होता है, आपने लेग आज की एक सैटरडे, और लेग में ज्यादातर छुट्टी मार जाते लोग, ठीक है। तो आज आपने लेग करी सैटरडे को, अगले सैटरडे उसका नंबर आना है दोबारा लेग का। तो जब आप कोई एक्सरसाइज करते हो, आज भी आप करोगे, आपको कल दर्द होने वाला है पक्का, क्योंकि लैक्टिक एसिड बिल्डअप होता है हमारी बॉडी में। तो आपने आज लेग की, अब अगले हफ्ते नंबर है, बीच में अब आप आज दर्द कल दर्द, 2 दिन तो आप दर्द भी निकाल दोगे, 3रे दिन तक ये मसल रिकवर करेंगे, सैटरडे फिर आ जाएगा फिर दर्द, ऐसे सब मसल ग्रुप के साथ होता है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ, मैं खुद भी यही फॉलो करता हूँ। हाँ, अगर आपको किसी कंपटीशन में जाना है, एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो एक अलग बात, उनका अलग एफर्ट, बट आप लोग इसलिए आपका पर्पस ये नहीं है, आपका पर्पस हेल्थ है। फुल बॉडी वर्कआउट में क्या फायदा होता है, हम हर मसल ग्रुप को रोज तोड़ते हैं और 1 दिन का गैप देते हैं, उसमें कार्डियो करते हैं, हमारा HIIT चाहे रनिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, तो ये कॉम्बिनेशन से क्या रहता है, आप कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी पाते हो और जिम के हेल्थ भी पाते हो। तो इसमें हम हमारे मसल ग्रुप के 6 बेसिक मसल्स हैं, ये भी बता दूं, बाइसेप्स, इसी के साथ आर्म, आर्म मान लो आर्म, लेग्स, एब्स, बैक, चेस्ट, 5 ये हो गए। अब इनमें क्या, हम सभी एक्सरसाइजेस के, हम 6 टाइप के, और ट्राइसेप्स होते हैं छठा, इन 6 के 2-2 एक्सरसाइज पकड़ लेते हैं और रोज वही 2 करते हैं। टोटल हर ग्रुप की 6, मैं आपको लिस्ट दूंगा बाद में, सॉफ्ट कॉपी दूंगा, हर मसल ग्रुप की मोटी मोटी 6 एक्सरसाइजेस होती है,
आप जिम में जाओगे यही लिस्ट मिलेगी आपको, कोई भी मसल ग्रुप पकड़ लो, इस 6 को डिवाइड कर लो दो 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 में और 3 दिन आप वर्कआउट करना है बस। तो हर मसल ग्रुप की दो दो एक्सरसाइज रोज करनी है, फिर अगले दिन रेस्ट, रेस्ट मीन आप वॉक करो, रनिंग करो, जो आपका मन है कार्डियो करो, फिर अगले दिन फिर ये, फिर कार्डियो करो, ठीक है, ऐसे करो। अब प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं, आप सब खड़े हो गए। अब किसी भी एक्सरसाइज से पहले ये भी गलती लोग करते हैं, ठंडे मसल्स होते हैं, मसल्स ना रबड़ बैंड की तरह होते हैं, आप इसको ठंडे में अगर मूव करोगे टूट जाएंगे। तो पहले तो वार्म अप की गलती, लोग स्ट्रेचिंग पहले कर लेते हैं, तो देखा होगा आपने लोग ऐसे करके स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं, पहले स्ट्रेचिंग मसल्स गर्म होते हैं ना उसके बाद करने होते हैं, यानी कि बाद में होगी वो स्ट्रेचिंग जब होगी। तो वार्म अप में आप पहले कुछ भी मूवमेंट करके, आपको सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो ना सबसे ज्यादा स्टिफ होता है अपना नेक, और यहीं पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी आते हैं जब एक्सरसाइज करते हैं। तो पहले तो नेक मूवमेंट होनी चाहिए, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट, तो जल्दी नहीं है, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट आप करो। यू हैव टू मेक द ब्लड रश टू योर मसल्स, तो आपको मसल्स में ब्लड को ले जाना है, आर्म्स अप एंड डाउन दिस वे, ये चाहे आप जितना लंबा करना चाहो उतना लंबा कर सकते हो, छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। मैं अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आपको सारी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो आपको करनी है फॉर वार्म अप। अपर बॉडी होगी, योगी बैक मसल्स, इसका बस पर्पस ये है कि आपके मसल्स में ब्लड जाना शुरू हो जाए किसी भी तरह। देन योर लेग्स, ये हिप फ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसल बहुत ज्यादा स्टिफ होता है जो आप सुबह सोते उठते हो, तो इसको हमेशा ओपन अप कर लीजिए। इसके लिए दो तीन ऑप्शन है, आप कोई सहारा लेना चाहो, सहारा मूवमेंट करनी है बस किसी तरह, बोथ फेस जो भी एक्सरसाइज होगी दोनों तरह। इसमें कुछ स्क्वाट्स भी आप कर सकते हो, गाउस कोनो स्क्वाट्स बहुत अच्छे रहते हैं, ये इससे फ्लेक्शन जल्दी हो जाती है, जिससे हो पाए इजीली आप करिए, जिनसे नहीं हो रहा हाफ करिए, इससे हिप फ्लेक्शन हो जाती है, ठीक है। नाउ अब मेजर पार्ट ऑफ एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग हम बाद में करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद होगी। सबसे पहले किंग ऑफ एक्सरसाइज जो बताया स्क्वाट्स, अब इसमें पोजीशन देख लेना, यहाँ बहुत गलती करते हैं लोग, बोलते हैं लोअर बैक पेन रहता है, ये होता है, हम स्क्वाट करते हैं तो दर्द होता है, वो इसलिए होता है कि वो गलती कर रहे होते हैं। साइड से करके दिखाता हूँ स्क्वाट्स की पोजीशन, पहले तो आपके जितने शोल्डर विड्थ है उतनी विड्थ आपकी पैरों की होनी चाहिए, शोल्डर विड्थ अपार्ट, दिस विल बी द मूवमेंट। अब बैक देखें मेरी, बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, ऐसे झुकनी नहीं चाहिए, जो मोस्टली वेट उठाने के लिए करते हैं ना, ज्यादा वेट होगा तो झुक जाते हैं जल्दी में, तो बहुत लोग ये गलती करते हैं, तो उससे लोअर बैक में स्ट्रेन आता है। और घरों में भी जैसे लेडीज फ्रिज में कुछ सामान गिर गया या पैनी गिर गया, इसके भी दो तरीके, लोगों को आजकल सियाटिका बहुत होता है, डिस्क प्रोलैप्स बहुत कॉमन है, क्यों होता है, ये उठाया आपने ऐसे उठाते हैं, ये होगी राउंड, देख रहे हो राउंड होगी ना बैक, तो इंजरी होनी है। इसको उठाने का एक तरीका ये भी तो है, यहाँ पास जाओ, अब देखो अब मैंने उठा लिया, लेकिन मेरी बैक तो स्ट्रेट है, अब यहाँ लोअर बैक पे कोई इंजरी नहीं होगी, और यही तरीका है इसको करने का। स्क्वाट्स में ऑफकोर्स वेट ज्यादा चाहिए होता है, आप लोगों के लिए हमने प्लेट्स रखे उधर, एफर्ट के लिए आप प्लेट्स ले सकते हैं, 2 किलो 2.5 किलो जितना आपको वेट है, 5 किलो की भी है वहाँ, क्योंकि आप आज प्रैक्टिकली करोगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो आप बॉडी वेट के साथ ही समझ लीजिए पहले, क्योंकि स्टार्टिंग हमने बॉडी वेट से करनी है पहले 15 दिन, तो ठीक है, तो बेसिकली वही बात, 12 से 15 रहो इंटू 3 सेट्स, 30 सेकेंड से ज्यादा गैप नहीं, और बैक पे ध्यान जरूर दीजिए, और ब्रीदिंग जो बताया था, नीचे जाते वक्त इनहेल, ऊपर आते वक्त एक्सहेल, पूरा इस तरह से यहाँ के रुकेंगे अगर थोड़ी देर, तो आइसोमेट्रिक यूज करेंगे, कम टाइम में एफर्ट ज्यादा लगेगा, कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। जो मैंने बताया फ्लेक्शन में 2 सेकंड पॉज दीजिए, तो ये अगर किसी से पूरा नहीं हो पा रहा है तो आप हाफ स्क्वाट कर लीजिए, लेकिन ये करना जरूर है। लोग बोलते हैं जॉइंट हमारे खराब होते हैं, किसी का जॉइंट खराब नहीं, तो आप करके दिखाओ, मैं मूवमेंट चेक करता हूँ। शोल्डर वेट नहीं, थोड़ा सा जितने आपके शोल्डर वेट थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा सा टिल्ट रह सकते, लेकिन इस तरह से कि आपकी एड़ी नहीं उठे, एड़ी चिपकी रहनी चाहिए, ठीक है, ऑलमोस्ट सबका सही है। बैक फ्रंट बेंडिंग नहीं होनी, बस ये ध्यान रखिए, बैक पे ही ध्यान रखिएगा, कोशिश करो आप थोड़ा नीचे नीचे स्लो जाओ, आगे नहीं दिखता कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, ये मसल जैसे जैसे डेवलप होगा। जितेंद्र जी आपके ना ये आप सुमो स्क्वाट कर रहे हैं, अलग एक है, लेकिन आपके
जो नीज है आगे आप फोकस करो, जैसे माइंड मसल मैंने बोला, फोकस करो कि आपकी लोअर बैक या बटक्स नीचे जा रहे हैं, पूरा ध्यान यार, हाँ और नीचे, बस थोड़ा सा और वाइड कर सकते हो, आपकी हाइट ज्यादा है ना, हाँ अब करो, हाँ ये परफेक्ट है, ठीक है। अब दो तीन हफ्तों के बाद आप जब ये करने लग जाओगे ना तो ये बहुत आसान लगने लगेगा। अब आसान लगेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, सीधी सी बात, जहां पे आपको आसानी लगे ना समझो रिजल्ट रुक गया, कंफर्ट में आ गया, तो अब आपको वेट बढ़ाना है, अब आप अपने हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट आता रहे और आपकी एक्सरसाइज फर्दर, अब ये वेट आपका जैसे जैसे आप करते जाओगे बढ़ता जाएगा, शुरुआत करोगे 5 से 7 से 10 से, ये आपके ऊपर है, और ये इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं तो इसे घर पे अपना जिम ही बनाया हुआ है, अमित ने भी इसमें आपको इस बेसमेंट में यहाँ पे जिम रखूंगा, फुल फंक्शनल जिम मिलेगा आपको, और वो नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं, 5,000 रुपए में डबल सेट आ जाते हैं सारी, ऑलमोस्ट काम हो जाते हैं। तो इसको क्या है, कुछ भी वेट है जो भी आप होल्ड कीजिए चेस्ट के सामने, मूवमेंट सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है, बाकी सेम है, बस आपने इसको यहाँ पर बैठिए, ठीक है। अब आपको एफर्ट पता चल रहा है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, कारण आपके पैर ना ऐसे हो रहे हैं, ऐसे नहीं करने, आपको नी को आगे मूव करना है ऐसे, थोड़ा और नीचे जाना है, हमको तो बॉडी वेट ही करने थे। अब आगे चलते हैं, सेकंड एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये पूरे लेग मसल्स को कवर करती है। मैं पहले इन जनरल मसल्स की, सारे मसल्स की बता रहा हूँ, फिर स्पेसिफिक मसल्स की बात करेंगे। इसे कहते हैं लंजेस। अब इसमें करना क्या है, बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है, लोग करते हैं, इसमें आप एफर्ट रखिए, कंफर्टेबल स्टैंड रख लीजिए, इसमें आपकी टो रहेगा पीछे वाले पैर का टच और एड़ी ऊपरी उठी रहेगी एंकल। अब इसमें क्या है, और फ्रंट बिल्कुल स्ट्रेट जमीन पे, ना एड़ी ना टो कुछ नहीं उठेगा, ये स्टेबल रहेगा। अब इसमें करना क्या है, पिछली नी में फोकस, मैंने बोला माइंड मसल कनेक्शन, फोकस ऑन द रियर नी, ये आपको नीचे टच करनी है ग्राउंड पे बस स्लोली, और इसको होल्ड करके फिर होगा करके देखो, राय जितना पूरा मत जाइए जितना नीचे हो सकता, हाँ जब आप ऊपर आएंगे तो एक्सहेल करेंगे, नीचे जाएंगे तो इनहेल करेंगे। अब यहाँ होल्ड करके देखो एक बार, आइसोमेट्रिक मैंने बोला था, आपको पता चल जाए कौन कौन सा मसल यूज हो रहा है, हैमस्ट्रिंग ऊपर, क्वाड्रिसेप्स, और जो ऊपर आओगे तो नीचे पीछे वाला काफ भी यूज हो रहा है, तो एक तरह की पूरी लेग के सारे मसल्स की एक्सरसाइज है। वही 12 से 15 आपको वीडियो पूरा भेज दिया, जो मिस किया ये दोनों टांग से बराबर करना है उसी साइड। अब कोई भी एक्सरसाइज करनी है दोनों तरफ बराबर करनी है, ये थोड़ा कि हमने राइट टाइम मजबूत कर ली और लेफ्ट पटली रहे, ठीक है, तो सेम वे ऑपोजिट साइड, ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी, आज नहीं हो रहा एक दिन जरूर हो जाएगा कहते ना। अब सेम वे, अब फिर वही होगा 6 हफ्ते बाद, फिर आपको लगेगा आसान है, तो इसका एक तरीका और भी है, जगह ज्यादा हो तो वॉकिंग लंजेस बोलते हैं उसको पार्क वगैरह में, इसमें आप ऐसे करके आगे चलते जाओ, दोनों टांगे एक साथ हो जाएंगे, फिर पीछे भी आ सकते, ठीक है, तो इसे वॉकिंग लंजेस बोलते हैं। अब फिर वही बात आनी है 6 हफ्ते बाद, मुझे पता आएगी, करोगे तो आएगी, 6 हफ्ते के बाद आपको लगे तो बड़े आसान होगी। अगेन इसमें वेट दो तरीके से उठा सकते हो आप, दोनों साइड में पकड़ लो, अगेन ये भी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें पूरे मसल यूज हो रहे हैं तो वेट ज्यादा ही उठेगा इसमें, तो आपने इसमें सेम वे नीचे गए ऊपर यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। माइंड मसल कनेक्शन वाली बात है तो आप रियर नी पे ध्यान रखिए, उसको नीचे ले जाना है, फिर स्टेबिलिटी बन जाती है, सेम वे दोनों तरफ, अगेन रैप यही रहेगी 12 से 15। कुछ क्वेश्चन मेरे, कोई क्वेश्चन, हाँ आगे जा सकते हैं, आगे ही जाना चाहिए एक्चुअली, तभी स्ट्रेच आएगा, मैं फोकस वही कह रहा था, इसको आगे ही जाना है तभी आपके मसल पूरे खींचेंगे। सो स्क्वाट्स, सेकंड लंजेस। अब बात करते हैं
सबसे इम्पोर्टेंट मसल, सबसे बड़े मसल क्वाड्रिसेप्स। इसके लिए वैसे हमें एक चेयर की जरूरत पड़ती है। अब आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट थोड़ी बहुत तो है, मैंने एंकल वेट्स ले रखे हैं 2 किलो के, बड़े इजीली मिल जाते हैं किसी भी स्पोर्ट्स के दुकान पे 500-600 रुपए के। नहीं भी खर्चना तो भी एक और तरीका है, कोई भी बैग ले लीजिए सूती कपड़ा, उसमें अपने क्योंकि ये ना चेंज होते हैं, जैसे मैं तो साइकिलिंग करता हूँ, इसको पहन के एफर्ट कम टाइम में ज्यादा बर्न हो जाते हैं। आप लोग क्या कर सकते हो अपनी कैपेबिलिटी, क्योंकि शुरू में जरूरी नहीं कि आप सबसे 2 किलो उठ जाए, तो आप क्या करेंगे एक रेत का बैग बना लीजिए, उसमें अपने हिसाब से 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम जो भी आप, वो रेत आप फिर पैर में बांध लीजिए, ऐसा कपड़ा बना के उसको बांध लो, ठीक है, ये कर सकते हो। नहीं तो ये इस तरह के एंकल वेट्स यूज कर सकते हो, ये अलग अलग वेट रेंजेस में भी आते हैं और आजकल ये मॉडिफाइबल भी आ गए, मतलब उनमें पॉकेट्स होती हैं, तो आयरन के पीसेस आप उसमें निकाल और डाल सकते हो वेट के हिसाब से जितना आपको चाहिए, वो मॉडिफाई वाले आगे तक भी काम आते रहते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद वही बात होगी, एक्सरसाइज एडेप्टेबिलिटी आएगी आएगी, प्रोवाइडेड आप करते रहोगे, तो करना छोड़ दोगे तो फिर तो बात अलग है। ये बहुत ही सिंपल और अच्छी इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत ज्यादा काम आती है, जैसे लोग बोलते हैं ना एक्सरसाइजर हम अलग लेके अलग साइकिल, नॉर्मल साइकिल भी एक्सरसाइजर वाला काम कर देता है अगर ये पहन के आप साइकिलिंग करो। जब मैं खरदुंगा के लिए प्रिपेयर करा तो इसको पहन के 25-25 किलोमीटर साइकिलिंग करता था, अब मैं वहां वाली ऑक्सीजन कंडीशन तो यहाँ क्रिएट नहीं कर सकता, तो इसने मेरा एफर्ट बढ़ा दिया था, तो वही डिफिकल्टी लेवल हम यहाँ प्रोड्यूस कर पाए। अब इसमें क्या है, लेग एक्सटेंशन, सामने से पहले दिखाता हूँ, कोई हाई चेयर लेनी है, वैसे इसकी मशीन होती है हमारे नीचे बेसमेंट में, जाते वक्त आपको दिखाएंगे, इसमें आपने ऐसे लिफ्ट करना है, स्ट्रेट हो गया 180 डिग्री, देन गो डाउन स्लोली 90 डिग्री तक। जिन लोगों को नी प्रॉब्लम है यहाँ पे, उनके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है, घर में मदर्स को फादर्स को जिनको भी ये प्रॉब्लम है, साइड से देखो 90 डिग्री रहेगा सीधा, और यहाँ पे यहाँ होल्ड रखेंगे देन गो डाउन। अब यहाँ मसल देखिए आप, क्वाड्रिसेप्स आपको दिखेगा, ये मसल आपका ग्रो करने लगेगा टाइम से। हमारे को नी प्रॉब्लम क्यों आती है, बिकॉज नी तो एक हिंज है, जैसे कब्जा है दरवाजे का, नी को जो मूव करने वाले मसल्स हैं ऊपर और नीचे काफ मसल, क्वाड्रिसेप्स हैमस्ट्रिंग का, ये वीक है हमारे, तो उतना ही एफर्ट ज्यादा हमारे नी पे पड़ने लगता है, नी पे उतना ही डैमेज होने लगता है, सीढ़ियां तो चढ़नी है, काम तो करनी है, तो ये होगी लेग एक्सटेंशन। इसको मान लो चेयर नहीं है तो खड़े होकर कैसे करना है, सहारा लिया पैर ऐसे उठाया, ये आप कर सकते हो, खड़े खड़े वही सेम मूवमेंट हो गया एक्सटेंशन, यहाँ तक लिफ्ट कीजिए, यहाँ तक जो है स्ट्रेट, क्योंकि इस मसल का काम नहीं है, ठीक है। बाकी जिम्स में क्या होता है, मशीन्स होती हैं, प्लेट्स होते हैं, आपने पैर उसमें यहाँ पे फोम होता है तो आपने पैर से उसको एफर्ट करते हो, ये वो मशीन्स नीचे अवेलेबल है, दिखा सकते हैं आपको, ये लेग एक्सटेंशन होगी, बट जरूरी नहीं है, अभी काफ ये काफ वेट्स लेके एंकल वेट्स लेके कर सकते हैं आराम से। अब कौन कौन सी मसल्स हैं हमारे, पहले लेंग में ये समझ लीजिए, ये ग्रुप ऑफ मसल्स है क्वाड्रिसेप्स, दिस इज हैमस्ट्रिंग, ये काफ, ये तीन ही मेन मसल ग्रुप है, ये पहले तो दो एक्सरसाइज हमने जनरलाइज फुल लेग की कर ली, अब सेकंड एक्सरसाइज हमने की क्वाड्रिसेप्स की, थर्ड करेंगे हैमस्ट्रिंग, बहुत कॉमन मसल है जो इंजरी होता है फास्ट बॉलर्स को, बहुत जो लोग खेलते हैं उनको बहुत कॉमन इंजरी होती है, इसको क्या करना है, इसको कहते हैं लेग कर्ल। अब ऑपोजिट है, वैसे ही करना है, खड़े होकर भी कर सकते हैं लेट के भी, पहले तो ये नी आपकी हाई रहेगी स्ट्रेट पैरेलल टू योर अदर लेग, और उसके बाद इसको लिफ्ट करना है ऐसे, यहाँ होल्ड कर लेना, फिर नीचे जाना, फिर ऊपर करके देखो ये मसल टाइट हुआ, फील हो रहा होगा यहाँ, लेकिन अभी वेट नहीं है तो आपको कम फील हो रहा है, इसको लेट के भी कर सकते हो, जो जिम्स में मशीन होती है लेग कर्ल की वो ऐसी होती है, उस पर आपको लाई डाउन करना होता है ऑन योर स्टमक इस तरह से, यू लाई डाउन एंड यहाँ पे आपके वेट्स होते हैं पीछे ना, तो उसको आप खींचते हो, देन यू कैन एडजस्ट द वेट्स, तो ये ऐसे भी कर सकते हो लेकर सेम मसल, लेकिन खड़े होकर ज्यादा एफर्ट पुटन होता है, तो आप खड़े होकर करते हो तो आपको एफर्ट ज्यादा लगेगा, तो अगेन ये होगी आपकी सेम वे, ब्रीदिंग वही रहेगी, जब ऊपर ले जा रहे हैं एक्सहेल, नीचे ला रहे हैं इनहेल, तो दिस इज योर हैमस्ट्रिंग मसल्स। तीन एक्सरसाइज होगी, स्क्वाट्स, लंजेस, एक्सटेंशन एंड लेग कर्ल, इसको लेग कर्ल बोलते हैं, 4 एक्सरसाइज होगी। अब बहुत इंपॉर्टेंट मसल है स्पेशली फॉर द फीमेल पार्टिसिपेंट, सारा दिन किचन में खड़े रहते हो, बच्चों के लिए काम करते रहते हो, होता क्या उससे पैरों में सूजन रहने लगती है, रहती है ना आप लोगों को, या वेरिकोज वेन बहुत कॉमन है, पैर लटके हैं बैठे हैं तो भी लटके हैं हमारे पैर, सूजन क्यों रहती है, इस मसल को सार्टोरियस मसल जो आप नॉर्मली काफ मसल कहते हो, इसको बोलते हैं पेरीफेरल हार्ट, जैसे हमारा हार्ट पूरी बॉडी को पंप करता है ब्लड,
वैसे ये काफ मसल्स सारे लेग का जो वेनस ब्लड है, खराब ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वापस भेजते हैं हार्ट को ऑक्सीजन, तो जितना ये वीक होगा उतना ही खून आपका नीचे पड़ा रहता है और उसी से सूजन आती है और उसी से वेरिकोज वेन्स भी होती है। इसके लिए एक्सरसाइज क्या है, इसको कहते हैं काफ रेस। वैसे यूजली ये किसी रेस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है, जैसे कोई आपके पास स्टेपर हो तो या दो प्लेट हो तो इस पे आप पंजा रखते हैं, टेढ़ी हवा में रहती है, सीढ़ियों के कॉर्नर पे बहुत अच्छा होता है, रेलिंग पकड़ के आपका पंजा रहेगा सीढ़ी के कॉर्नर्स के ऊपर, एंड देन यू लिफ्ट योर एंकर दिस वे, अब यहाँ होल्ड करके रखो, ये होल्ड करके रखो, देन ये बेस प्लेटफॉर्म इसलिए कह रहा हूँ कि वहां नीचे जाने की भी जगह होती है, तो पूरा मसल स्ट्रेच होता है। और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो 20 बार कर लो तो 20 यूनिट शुगर डाउन हो जाती है इमीडिएट इफेक्ट, ये करके देखना, ये करिए, आपने प्रिक फिंगर प्रिक टेस्ट करो शुगर का, ये एक्सरसाइज करो और फिर दोबारा करो, विद इन मिनट्स कम करता है शुगर। और इसको घर में आपके किचन में खड़े हो कह रहे हो ना सूजन आती है, तो कुछ अवेलेबल नहीं हमारे पास, तो क्या करना है, पहले पंजा उठाना है, होल्ड करना है, इसकी फिर एक्सटेंडेड हो, फिर नीचे जाके अब पंजा उठाना है, एड़ी नीचे रहेगी दिस वे, इसमें नी नी बेंड होगी बिल्कुल। अब यहाँ आप देखो कैसे होल्ड करके देखो, दिस कम डाउन, अब पंजा उठाओ, होल्ड करो, ये 50, 100, 200, 500 बार कर सकते हो, इनमें कोई कमी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इससे आपका लेग मसल्स ऊपर आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लोअर बॉडी की ये 5 बेसिक एक्सरसाइज होती है, ये आपको बता दी, याद हो गई या फिर करो, पहली थी हमारी स्क्वाट्स, सेकंड थी लंजेस, थर्ड लेग एक्सटेंशन, फोर्थ लेग कर्ल, एंड फिफ्थ काफ रेस, ठीक है। अब अपर बॉडी पे आते हैं, अपर बॉडी में मेजरली आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई करके डिवाइड कर देते हैं, पहले सबसे इंपॉर्टेंट मसल शोल्डर एंड सर्वाइकल मसल्स, ये एक ही ग्रुप ऑफ मसल्स है, एक साथ ही एक्सरसाइज होती है, फिर आर्म, फिर बैक, जो एक्सरसाइज खड़े होकर होनी है वो पहले कराऊंगा, फिर जो फ्लोर एक्सरसाइज है वो बाद में बता दूंगा, जैसे एब्स की, चेस्ट की, ये आपको लाई डाउन करके एक मैट पे करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, सबसे इसमें तो वेट उठाई हो क्योंकि बिना वेट के होगी नहीं, इसे डंबल शोल्डर प्रेस कहते हैं, आप ऐसे पकड़ लो, जिनके पास प्लेट्स है ना दोनों हाथ ऐसे, शोल्डर यहाँ रहेंगे आपके, मतलब डंबल यहाँ कान के पास रहेंगे, मैं आपको बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको कहते हैं डंबल शोल्डर प्रेस, स्ट्रेट होगा बिल्कुल, स्ट्रेट आउटस्ट्रेच हो जाएंगे, और ये डंबल टच भी कर सकते हो यहाँ बीच में, देन कम डाउन, अगेन वही बात रहेगी, जब एफर्ट लग रहा है तो एक्सहेल, एफर्ट जब नीचे आ रहे हो तो इनहेल, अब सांस ले चुके और निकालेंगे, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, यहाँ पे होल्ड करके रखिए, आइसोमेट्रिक यूज करोगे तो आपको एफर्ट लगेगा ज्यादा, आपको पता चल रहा होगा ये शोल्डर मसल यूज हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम, दर्द इसीलिए आती है कि ये मसल वीक है, कंप्यूटर पे बैठे बैठे वीक हो जाते हैं, इसे कहते हैं शोल्डर प्रेस। अब अगर हम टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो ये डेल्टॉइड मसल्स होते हैं, इसके 2-3 हेड्स होते हैं, अगर डायरेक्टली आप टेक्निकल क्या समझोगे, लेकिन बेसिकली बता देता हूँ, इनके सभी हेड्स को मजबूत रखने के लिए 2-3 टाइप के, एक तो एक शोल्डर प्रेस, अब होती है डंबल फ्रंट रेस, आपका डंबल, आप सिंपल बस बता देता हूँ, आपका हाथ कहाँ का मूव करता है, फ्रंट साइड, अब तीन ही मूवमेंट है ना इसकी, तो ये तो हो गई शोल्डर प्रेस सिंपल, अब फ्रंट रेस, क्योंकि ये मसल्स को भी तो टाइट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, तो फ्रंट रेस में क्या होता है, डंबल्स को ऐसे होल्ड करना है और स्लोली ऊपर जाएगा, यहाँ रोकेंगे फिर नीचे आएगा, इसमें बहुत कम वेट लगता है यूजली, यहाँ होल्ड करके नीचे आएगा, झटका नहीं देना इसे, फिर छोड़ दिया, ये नहीं करना, ग्रेविटी के अगेंस्ट दोनों चीजों का फायदा उठाना है, स्लोली नीचे, स्लोली नीचे, ठीक है। जिसको फील हो रहा होगा, जिनके पास डंबल है उनको तो हो ही रहा होगा, जब एक छोटा डंबल देना जा रहा है, अब साइड रेस, क्योंकि ये साइड रेस मसल जो है बहुत छोटे हैं, इसमें ज्यादा वेट नहीं उठता है, ये आप प्लेट से भी कर सकते हो, इसमें वैसे 2 डंबल चाहिए, एक और देना, इसमें हल्का सा फ्रंट बेंड होना, देखिए हल्का सा बस, और ऐसे उठाना, इसमें आपकी एल्बो बेंड नहीं होगी, एल्बो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, दिस वे हल्का सा ये टिल्ट रहेगा आगे को, हमारी शोल्डर की लाइन यहाँ है तो ये थोड़ा आगे रहता है, देखो यहाँ से, यानी थोड़ा सा आगे तभी आपको एफर्ट
फील होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिनको सर्वाइकल पेन रहता है। यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, ये करके देखोगे एक हाथ से कैसे करना है, एक हाथ से भी होता है, एक हाथ से ज्यादा इजी होता है, आसान लगता है, कंट्रोल्ड वे में होता है। आप ट्राई करते रहो। लेकिन हैंड थोड़ा सा आगे जैसे है ना, तो आपको यहाँ पे एफर्ट इसमें चिन यूजुअली नीचे को दिखता है, इसमें उसमें ज्यादा एफर्ट लगता है। फ्रंट रेज हो गया, साइड रेज हो गया, अपर हो गया, ठीक है। अब एक एक्सरसाइज इसको बोलते हैं अपराइट रोज। महेंद्र सिंह धोनी जब भी ट्रैवल करता है ना, वो रोइंग मशीन जरूर रखता है अपने होटल में, कुछ और एक्सरसाइज करें ना करें रोइंग जरूर करता है। अब यहाँ रोइंग तो नहीं है, लेकिन हम रोइंग क्रिएट कर सकते हैं डंबल से भी। तभी मैंने बोला सिर्फ डंबल में भी अगर आप एफर्ट पुट इन कर देते हो तो आप डंबल से ही सारी एक्सरसाइज कर सकते हो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट में। इसको बोलते हैं अपराइट रोज, जैसे नाम सजेस्ट करता है। इसको ऐसे होल्ड करना है, इसको कैसे करना है, इसके लिए आप वो वाली पकड़ो पाई, इसमें आप फिंगर्स ऐसे डालो ना ना जब डालो बीच। मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, अगर प्लेट से आपके पास तो प्लेट से कैसे करना है, ऐसे पकड़ना है, यहाँ पे होल्ड कर, ये टाइट लगा फील हो रहा है। और डंबल से कैसे करना है, इसमें अगेन वेट ज्यादा उठता है, ये पैरेलल रहेंगे दोनों साइड से देखिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं, ऑलमोस्ट सभी के ठीक है। हाँ दिस अब यहाँ होल्ड करके रखिए तो आपको फील होगा यहाँ पे ये मसल जितने ग्रो करेंगे उतना सस्टेंड वर्क आप कर पाओगे। अगेन 15 रेप जब आप करोगे रोज रोज तो आपको दिखेगा कि ये मसल ग्रो कर रहे हैं और आपको फिर ये जो सर्वाइकल पेन रहता है वो रहना बंद हो जाएगा। नहीं पैरेलल वो तो फिर अलग इंजरी हो जाएगी, अलग मसल्स में चला जाएगा बेटा, ऐसे रहना चाहिए गिनेगा ठीक है बेटा। अपराइट रोज चिंता मत करो, मैं सारा आपको दे दूंगा सॉफ्ट कॉपी, डोंट वरी। बिल्कुल ठीक है। अनदर एक्सरसाइज, अगेन ये आप लोगों के लिए ऑप्शनल है लेकिन मैं चाहूंगा करो, सीख तो जरूर लो। इसे बोलते हैं डंबल श्रग्स, ये इन्हीं मसल्स पे काम करता है जो भी हमने ट्रेपेजियस की बात की सर्वाइकल। इसमें ऐसे लिफ्ट करना है, एल्बो नहीं बेंड होगी, एल्बो देखिएगा, इसमें आप थोड़ा नीचे चेंज कर सकते हो एंड होल्ड इट हियर गो डाउन। इसमें जितने ज्यादा रैप्स करोगे उतना अच्छा है, जरूरी नहीं 15 पे रुकना है, 30 40 50 जितने करते जाओ उतना अच्छा है। This is called double shrugs. ये प्लेट से भी हो सकता है, जैसे आप प्लेट पकड़ रहे थे पहले बैठ के हो गया, नहीं मूवमेंट ही नहीं हो, बैठ जाओगे तो फिर जगह ही नहीं बचेगी। तो अगेन दिस वे तो शोल्डर मसल्स की एक्सरसाइज 5 हो गई, ठीक है। अब आते हैं आर्म्स पे। आर्म्स की मैं 2 बेसिक एक्सरसाइज बताऊंगा, है तो बहुत सारी लेकिन 2 आप ये समझ लोगे तो आपका ओवरऑल घर पे वर्कआउट हो जाएगा इजी। एक तो होता है डंबल बाइसेप कर्ल, दिस वे ये पहले पूरी स्ट्रेट होगी 180 डिग्री पे, देन ये 90 डिग्री तक आएगी थोड़ा सा ऊपर, और यहाँ आप होल्ड करके रखो, ठीक है। फीमेल्स को एक प्रॉब्लम आती है, उनका पोस्टीरियर आर्म बहुत लूज हो जाते हैं, मांस लटकने लगता है, मैं देखा हो। जब आप ऊपर लेके जा रहे हो तो बाइसेप के दोनों हेड्स को यूज कर रहे हो, और जब स्लोली नीचे जा रहे हैं तो आप ये देखें ट्राइसेप यूज हो रहे हैं, ये देखिए। तो ये बाइसेप्स और ट्राइसेप दोनों के एक्सरसाइज, तभी मैंने आर्म के लिए बात की। जब पूरा एक्सटेंड करोगे तो आर्म यूज होगा, अगेन 12 to 15 रेप्स, ऊपर आएगा तो सांस एक्सहेल, नीचे आएगा सांस इनहेल, ठीक है। इसी की मॉडिफाइड फॉर्म, इसे बोलते अभी हमने जो की थी इसे बोलते बाइसेप कर्ल, डंबल बाइसेप कर्ल। इसकी मॉडिफाइड फॉर्म उसको बोलते हैं हैमर कर्ल, जैसे थोड़ा मारते ना ऐसे हाथ होता है ना हमारा, तो इसका नाम वैसे ही रखा। तो इसमें ऐसे पकड़ना है सेम वही 90 डिग्री होल्ड कीजिए। ठीक है, ये 2 बेसिक एक्सरसाइज आर्म्स की है, यही करेंगे तो आपके आर्म्स हेल्दी रहेंगी, कोई और जरूरत नहीं। अब आते हैं बैक मसल्स के ऊपर। बैक के लिए डंबल्स को कैसे यूज करके बता देता हूँ, 2-3 एक्सरसाइज है इसकी, वैसे बेसिक एक बता देता हूँ। इसको वन आर्म रो कहते हैं, मैंने बोला महेंद्र सिंह धोनी रोइंग नहीं छोड़ता, तभी वो जो हेलीकॉप्टर शॉट है ना उसके, वो वहीं से आ रहे हैं उसी मसल से, वो सेम मसल ग्रुप यूज करता है, रोइंग कभी छोड़ता नहीं। इसमें रोइंग मशीन है वो जो फोल्डेबल आती है, वो हर जगह ट्रैवल अपने होटल में रखता है, उसे बताया कि मैं। अब इसमें क्या करना है, आपको कोई टेबल या कोई चेयर ले लीजिए, इस पर आप स्टेबल हो, अब ऐसे हाथ रखें, इसको ध्यान से रखना पोजिशन,
सिर्फ ये मूव होगा एल्बो आपका और कुछ नहीं, दिस ये किसी यहाँ पे ये जो आपके मसल्स हैं ये दिस वन ये यूज होते हैं, बाकी बैक के और मसल्स हैं उसके लिए तो आपको बार चाहिए, बार पे लटक के आप बैक की एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन ये एक बेसिक एक्सरसाइज जो आप बैक पे कर सकते हो। इसके अलावा एक और है फुल बॉडी वो मैं क्योंकि वो मैट पे होगी तो वो मैं लास्ट में टेकअप करूँगा। तो लेट्स रिवाइज, ये अपर बॉडी की शोल्डर होगी, आर्म होगी, बाकी चेस्ट और वो तो मैं लेट के करने तो वो भी बताता हूँ। तो पहला आपको रिवाइज कर लेते हैं, पहले है शोल्डर प्रेस नंबर वन, सेकंड फ्रंट रेस, थर्ड विल बी साइड रेस, दोनों ऐसे ऐसे कर सकते हो। उसके बाद श्रग्स, अपराइट रो, देन बाइसेप्स की बाइसेप कर, ट्राइसेप एक्सटेंशन और हैमर कर एंड हैमर एक्सटेंशन, ठीक है। और बैक की अपने जो बनाम रो बताइए आपको दिस, ये दोनों तरफ से करना, कर सकते हो लेकिन उसके लिए एफर्ट थोड़ा सा आपको स्टेबलाइज होना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे भी किया जा सकता है, उसके लिए आपकी पहले थोड़ा प्रैक्टिस करोगे स्टेबिलिटी आ जाएगी, जब टाइम कम हो तो आप दोनों हाथ यूज कर सकते हो, वो तो किसी भी एक्सरसाइज में इवन इसमें भी आप दोनों हाथ यूज एक साथ कर सकते हो, कम टाइम लगेगा बाइसेप में, ऐसे दोनों यहाँ पे भी दोनों एक साथ यूज कर सकते, लोग बोलते हैं टाइम कम है 15 मिनट है, 15 मिनट में भी हो जाते एक्सरसाइज जब ऐसे करेंगे तो, ठीक है। रैप आपके सेम ही रहेंगे सब एक्सरसाइज, एक्सेप्ट टू एक्सरसाइजिंग, एक तो जो अपराइट रो बताइए इसमें आप ज्यादा कर सकते हो, काफ में जितने मर्जी कर लो इसमें कोई रोकने की नहीं है, इसमें उतना जितना एफर्ट पुट इन करोगे उतना अच्छा है, जितने रेप्स बढ़ाओगे उतने अच्छा आपके। तो छोटे मसल ग्रुप्स हैं काफ है बाइसेप है, इनमें आप ज्यादा रैप भी कर सकते हो, बट अभी सिंप्लीफाई रखो 12 से 15 तीन सेट 30 सेकंड में गैप, इतने से एफर्ट में देखो सांस फूल जाता है, लोग बोलते हैं वॉक कर रहे पसीना देखो कैसे रहा, तो यही फायदा रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का, कम टाइम में ज्यादा एफर्ट ज्यादा कैलोरीज बर्न होती है, लोग बोलते हैं पतले नहीं हो रहे वॉक करे जा रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब और मसल जो मसल ग्रुप है, अब वैसे इसके लिए आपको ना वो चाहिए होता है बेंचेस चाहिए होते हैं, चेस्ट के लिए बेंचेस होते हैं, वो नीचे हैं हमारे बेसमेंट में, बट अदरवाइज अब उस पर कैसे इन्वेस्ट करना है क्यों करना है तो वो मैं बता रहे हो, अब ये शायद सब लोगों से ना हो पाए बट ट्राई करोगे तो हो जाएगी। ये जैसे स्क्वाट्स पूरी लेग की एक्सरसाइज है ना लेग मसल्स की, ऐसे ये एक्सरसाइज पूरी अपर बॉडी को टारगेट करती है, सुना होगा सबने बहुत सिंपल है पुशअप्स, बट पुशअप्स करने का गलती ही करते हैं लोग, हाथों की पोजीशन, एक तो हाथ रहेंगे शोल्डर विड्थ अपार्ट, दूसरा ऐसे आगे करते हैं लोग, ऐसे नहीं करना, आपकी निप्पल की लाइन पे रहने चाहिए हाथ, जहां पे आपके निप्पल है वहां पे आपके हाथ होने चाहिए, इससे आप मैक्सिमम कम मेहनत में ज्यादा एफर्ट कर लोगे, नीचे जाइए एंड नाम है पुशअप तो सोचिए आप जमीन को पुश कर रहे हैं, इससे कोई और मसल यहाँ कहीं इधर उधर ऐसे ऐसे नहीं करना, जैसे डंडे पे अथक लोग करते हैं उसमें एफर्ट कम हो जाता है, टारगेटेड रखिए। अब इसमें कौन कौन से मसल यूज हो रहे हैं, जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा चेस्ट ऊपर आते हैं, बैक मसल्स भी यूज हो रहे हैं जो पीछे, तो ऑलमोस्ट और शोल्डर तो है, इसमें भी आप जितने कर सको उतने करो, ये चेस्ट और बैक की सिंपल एक्सरसाइज है। सुनील शेट्टी बोलता है उसके पास बचपन में बहुत ज्यादा चीजें नहीं थी अवेलेबल सोशियो इकोनॉमिकली भी, तो उसने 3 एक्सरसाइज की थी, बार यूज करके पुलअप्स ये और बार डिप्स, मतलब बार के ऊपर ऐसे डिप्स करने होते हैं उसके लिए बार जिम, ये 3 एक्सरसाइज से उसने बॉडी बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें चाहिए हमें बिना उसके भी काम हो जाता है, तो ये पुशअप हो गए। अब एक मेजर जो सबका टारगेट होना चाहिए आप सबका कोर, यहीं से सारी बीमारियां शुरू है, यानी एब मसल्स, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज है लेकिन वो सिंपल वाली बताऊंगा जिसमें मूवमेंट कम होती है, ज्यादा मूवमेंट में आप बैक पे जोर डाल देते हैं, तो बहुत सिंपल है, सबको सीधा लेट जाना है, कर लो आप साथ साथ तो अच्छा रहेगा। इसमें भी डिफिकल्टी आप बढ़ा सकते हो बाद में एंगल वेट्स पहन के, पहली एक्सरसाइज का नाम है लेग रेस। एब्स को अगर आप मोटा मोटा डिवाइड करते हो तो अपर एब्स और लोअर एब्स में डिवाइड कर सकते हो, यू जस्ट लिफ्ट योर लेग, नाम ही बता रहा है लेग रेस, किसी की नी बेंड नहीं होगी इसमें, और पंजे आउटस्ट्रेच रहेंगे जैसे आप छत को टच कर रहे हो, आउटस्ट्रेच रखिए पंजे को, ठीक
ठीक है, नीचे लाइए, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर 90 डिग्री तक आप लेके जाओ, और कम एफर्ट में और ज्यादा करना है, इसको यहाँ होल्ड कर लो जमीन से सिर्फ 8 से 10 इंच ऊपर, आपको फील हो रही होगी वाइब्रेशन से, वैसे इतने में यहाँ से सिर्फ होल्ड करने से, कुछ मेहनत नहीं है तब भी, होल्डिंग इज मच मोर डिफिकल्ट, कुछ मेहनत के बिना कोई इंजरी के, बस लेग रेज होल्ड कर लो, आपके एब्स पतले होते रहेंगे धीरे धीरे, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म, डिफिकल्ट फॉर्म टाइम के साथ, जैसे आपको अगर ये आसान लगने पड़े, इसको बोलते हैं बी अप, आपकी बॉडी वी फॉर्म में आती है, ठीक है, कोई योगा पोजिस हमने नाम बदल दिया, बस बी अप कहते हैं इसको, एंड नी बेंड नहीं होगी, इसको होल्ड करके देखो कितना मुश्किल है, जितना हो रहा है उतना करना, जैसे करते रहोगे प्रैक्टिस होगी, कोर आपका स्ट्रेंथन होगा, तभी कर पाओगे, ठीक है, और एब्स की बहुत एक्सरसाइज है, बट ये दो आप करना शुरू करोगे, बट इसमें पकड़ो नहीं, आप कोशिश करो कि बस, टाइमिंग का भी है, इतना ज्यादा होल्ड करो, वैसे प्लैंक्स भी है एक्सरसाइज, सबको पता है प्लैंक के बारे में, देयर आर मॉडिफाइड प्लैंक्स आल्सो, प्लैंक में क्या करना होता है, आपको हाथ ऐसे रखने, आपकी बॉडी पैरेलल रहेगी ग्राउंड से, पेट अंदर खींच के, अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 63 इयर्स की कैनेडियन लेडी ने, 6 घंटे तक प्लैंक पकड़ा, ये देखो इसमें होल्ड करना है, सांस छोड़ते रहना, पेट अंदर खींच के, नाभि पे ध्यान रहेगा, नाभि अंदर खींची हुई है, जैसे नाभि आप आपकी बैक के साथ ले जा रहे हो, स्पाइन की तरफ के लेके जा रहे हो खींच के, ठीक है, अब इसके मॉडिफाइड वर्जन है बहुत, और एफर्ट बढ़ाने सीखना है तो मैं सिखा देता हूँ सब, आपके ऊपर है करना हो तो, ये मैं बहुत पसंद करता हूँ, मेरी फेवरेट है, नाम तो मुझे नहीं पता, मैंने एक्चुअली मॉडिफाई किया इसको, वैसे इसको नी एल्बो कुछ कुछ बोलते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स का एक मॉडिफाइड रूप है, क्योंकि ये जो लव हैंडल्स होते हैं ना आपके प्यार वाले लोगों के पास है ना, तो लव हैंडल खत्म नहीं होते हमारे, तो इसको खत्म करना है, तो ये क्या है, पहले साइड फिर नी घुमाओ ऐसे, फिर पीछे स्ट्रेट, जैसे आप नी को एल्बो के पास लेके जा रहे हो ऐसे, इससे क्या करते हो आप ओब्लिक मसल्स, साइड मसल्स, मतलब हमारे इसके कई मसल ग्रुप है, ओब्लिक है, लेटरल है, ये सब एब्स के मसल्स के नाम है, तो इसमें आप दोनों ओब्लिक मसल्स को भी और लेटरल मसल दोनों को टारगेट कर लेते करके देखो, 10-12 के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा सर, एक होती है माउंटेन क्लाइंबर्स, ये बच्चों को मजा आएगा बड़ा करने में, है ना, एडिन को आएगा बड़ा, इसमें भी आपकी बॉडी हेल्प इसके साथ पैरेलल, और ये जितना आगे ले जा पाओ, 1 2 3 दिस वे, पेट अगर कम करना है ना तो ये कर लिए, स्लो कर लो, झटका देना जरूरी नहीं है, धीरे धीरे करो, दुर्गा जी बहुत स्लो, आप ऐसे करो, ऐसे ये नीचे ले जाओ, फिर आगे जितना आपसे आए, स्लो हवा में रखिए पैर लेके जमीन पे, हाँ, अब सारी बॉडी मसल्स हमने कवर कर लिए, कोई क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स, मॉडिफाइड लेग रेज ये किया है, जैसे हाथ यहाँ रख लिए तो एक ये होती है, उससे भी अच्छी एक बताता हूँ, जल्दी एफर्ट करने अगर तुम्हें बिल्कुल ही सिक्स पैक्स चाहिए तो ये करके देखो, चलो इसको कुछ नहीं कहा, चलो आसान बता रहे हैं, पूरा जितना आपसे फ्लेक्स हो पाए और स्ट्रेटन भी पूरा, लेकिन बॉडी ऐसी रहेगी बी वाली पोजीशन में, इसमें जब आप ऐसे फ्लेक्स कर रहे हो तो एक्सहेल होगा, क्योंकि हमें एक प्लेट खाली चाहिए, ठीक है, जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो इनहेल,
ठीक है, ये भी सारे साइड मसल्स हैं इसको कवर करते नहीं, वो तो आती लग रही नॉर्मल जैसे योगा में होता है, नॉर्मल योगा तो सी 300 30 × 10। चलिए अब वर्कआउट हो गया, वार्म अप हो गया था, अब लास्ट में जहाँ सब गलती करते हैं स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो दर्द आपको होने वाला है ना कल, वो ये बचाएगी आप, जो जो मसल आज आपने हिलाया ना कल सुबह उठेंगे तो दर्द हो जाएंगे। अब इसके लिए स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, 5 मिनट लगते हैं लेकिन ये बहुत लोग छोड़ देते हैं जल्दी में, रनिंग के बाद, साइकिलिंग के बाद, जिम के बाद ये जरूर करना चाहिए। आई विल टेक अप लोअर बॉडी स्ट्रेचेस, डॉक्टर गरिमा विल टेक अप अपर बॉडी स्ट्रेचेस। ठीक है, तो पहले लोअर बॉडी से शुरू करता हूँ। अगेन नींव मजबूत होनी चाहिए, तो सबसे ज्यादा एफर्ट भी इन्हीं मसल्स ने किया। तो सबसे पहला स्ट्रेच, सबसे सिंपल स्ट्रेच, ये लंजेस का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, दिस वे। इसमें लेकिन लंजेस से ज्यादा खोलना है आपको, जितना आप खोलो, ध्यान होगा आपका हाथ आप एड़ी पकड़िए, फ्रंट नी पे ध्यान रखिए, इसको आगे ले जाना, जितना आगे ले जाओ, सिर्फ पंजा जमीन को टच करेगा, एड़ी हवा में रहेगी और नी भी पिछली बार। होल्ड इट हियर, इसमें होल्डिंग की ही स्ट्रेचिंग का मतलब होल्डिंग, जितनी देर होल्ड करोगे उतना, मिनिमम 15 सेकंड होल्ड करना जरूरी है, तभी फायदा मिलेगा, जितना आगे लेके जाओगे उतना अच्छा। बोथ लेग्स, स्ट्रेचिंग हम किसके लिए करते हैं, लिगामेंट्स के लिए करते हैं, जहां मसल अटैच होते हैं बोन्स के साथ, और उसके साथ मसल्स भी खींचता है, तो इससे क्या होता है, वो अपनी नॉर्मल लेंथ से थोड़ा ज्यादा खींचने की वजह से जब वो वापस आता है रिलैक्स होता है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है, तो नींद की प्रॉब्लम है, इसलिए पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग जरूर कर लीजिए। देन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बोले थे ना, ये मसल्स हमारे सबसे स्टिफ रहते हैं, हिप मसल, हिप फ्लेक्सर्स बोलते हैं। देन कम सुमो स्क्वैट, इसको आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे आपके फीट, सुमो स्क्वैट पोजीशन में जाना है, ये एल्बोस को नी पे रखना है और नी इससे दूर करना है, जितना आप दूर कर पाओ, जैसे खींचना है इसको बाहर, साइड से दिखाता हूं, दिस वे, इसको बाहर को आप खींच रहे हो, एल्बो को इससे बाहर लेना है आपको अपनी थाइस को, होल्ड इट हियर, जितनी देर होल्ड करोगे उतना अच्छा, पैर पास करिए बाहर, नीज को पुश आउट करो, ये हिप फ्लेक्सर्स का स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छे से। हाँ मतलब ऐसे मॉडिफाइड फॉर्म। अब बात होगी, अब कौन से मसल्स हमने यूज किए थे, क्वाड्रिसेप्स मैंने बताया, अब क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेच ये तो सब करते ही हैं, सिंपल है, इसमें आपकी हील जो है बटक से टच होनी चाहिए, होल्ड करके रखना है, उसके बाद आपका आता है हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी किए थे ना हमने, तो इसके लिए हो सकता है आपको सहारा लेना पड़े दीवार पे, अगर स्टेबिलिटी का इशू है तो, या दूसरे पार्टनर का भी आ जाए, इसमें आपको बस नी को चेस्ट की तरफ खींचना है एंड होल्ड करके रखना, ये मसल खींच रहे हैं ना, इसको हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, जो हमने लंजेस में यूज किया था और बाकी, तो इसको यहाँ होल्ड करके रखना है स्टेबिलिटी के साथ। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेचेस, ये शायद आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा, शायद पहली बार कभी होगा, तो इसको बहुत ध्यान से देखना, और सबसे ज्यादा दर्द होने वाला मसल यही है, जब खासकर रनिंग के बाद, साइकिलिंग के बाद, जो हमने सारे मसल्स कर लिया, वह गया काफ, तो काफ के स्ट्रेच के लिए क्या करना है, इसको ध्यान से देखना, एडी की पोजिशन, इसमें दोनों हील्स ग्राउंड को टच रहेगी, पैरेलल, पिछला आपका माइंड मसल कनेक्शन पिछली नी पे रहेगा, इसको सीधा रखना है, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और आगे वाली बेंड करनी है और आगे मूव करते जाना, करके देखो तभी फील होगा स्ट्रेच, एडी नहीं उठेगी इसमें, आगे वाली बेंड पीछे वाली सीधी, पिछली नी बेंड नहीं करेगी, खींच रहा है कुछ काफ मसल, पैर नहीं उठेगा, दोनों पैर जमीन पे रहेंगे, इसको आगे ले जाना है, फ्रंट नी को आप सोच रही आने को ढकेलना है, उतना ही स्ट्रेच होगा, खींच रहा है ना, अब इसी पोजीशन में उल्टा इसको सीधा कर लेना है, अब इसको बेंड करना है पीछे वाली को, इसी काफ मसल के नीचे एक टेंडन होती है, इसे बोलते हैं टेंडो एकिलिस, एकिलिस ग्रीक में गॉड है हॉर्स, घोड़े की सबसे ज्यादा दौड़ने की कैपेसिटी इसीलिए है कि उसकी ये टेंडन दुनिया में सबसे मजबूत है, तो अगर आप अच्छे रनर बनना चाहते हो, एक्सरसाइज कंटिन्यू बिना इंजरी करनी है, तो ये जरूर करिए,
इसमें नीचे टेंडन है, टेंडन एक इसको खींचती है बिल्कुल एडी के ऊपर, हील के ऊपर जो टेंडन है ना वो करके देखो। इसमें दोनों में फीट पूरा टच रहेगा ग्राउंड को, कोई हील नहीं उठ रही, नहीं है आगे वाली स्ट्रेट है, पीछे वाली बेंड है, फुट लाइन, हाँ फुट सबका लाइन में रहेगा सीधा, नहीं वो चल सकता है बट इट शुड बी स्ट्रेट नॉट दिस वे। अलाइन रहेंगे, सीधे रहेंगे इसमें दोनों पैर। अब दूसरे पैर की भी करके, एक एक ही नहीं करके छोड़ने, दूसरे की भी करो नहीं तो कल दूसरा दर्द हो रहा होगा। शुड आई रिपीट द स्ट्रेचेस अगेन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो फर्स्ट स्ट्रेच था हमारा हिप फ्लेक्सर्स के लिए और पूरी बॉडी के लिए, दिस वन अगेन, जितना होल्ड करोगे उतना अच्छा, और दोनों तरफ से करना है इसको, दिस वे। सेकेंड सुमो स्ट्रेच दिस वे, एल्बो से हमने नीज को बाहर पुट आउट करना है दिस वे, ताकि ये मसल्स पूरे फ्लेक्स हो, स्ट्रेच हो रहे हैं पूरे, ये अगेन होल्डिंग करोगे उतना अच्छा है। देन क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच, दिस होल्ड करके रखना है। देन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, नी को चेस्ट के पास लाना, इसको होल्ड करके रखना है दोनों तरफ से बराबर। देन काफ के जो मैंने बताया, ये बहुत इजी है, बिना मूवमेंट के आप किसी भी स्ट्रेच, और ये वही लेडीज को जैसे खड़े होकर काम है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, हमने यही देखा है क्लिनिक्स में, पैरों की सूजन ये बहुत काम करता है उसमें। तो इसमें अगेन वही, पहले पीछे वाली स्ट्रेट रहेगी नी, आपके फीट अलाइन रहेंगे स्ट्रेट, और फिर दूसरा एक लेस दिस। नाउ डॉक्टर गर्मा विल टेक अप फ्रॉम हियर एंड शी विल अपडेट यू अबाउट द टारगेट करेंगे बाइसेप्स ट्राइसेप्स नेक शोल्डर, ठीक है आपको बता रहे हैं। तो पहले ट्राइसेप्स स्ट्रेच में बता देती हूँ, ट्राइसेप्स के लिए ओवरहेड इट इज कॉल्ड ओवरहेड ट्राइसेप्स स्ट्रेच, ऐसे करते और ऐसे करते हैं बस, पोजिशन मिड नी वाला हाथ मिड शोल्डर, मतलब शोल्डर ब्लेड के इधर बीच में, एंड लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये देना, ठीक है। फिर ऐसे ही ऑपोजिट ऑपोजिट से इसी तरीके से 20 काउंट, ठीक है। इस तरीके से इसके आप जितने कर सकते हैं 2 सेट्स लेना, 20, 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
फिर उसके बाद हम पहले नेक की कर लेते हैं। नेक ठीक है, एक ये वाला हाथ और ये एक दूसरे को पोज कर रहा है, जैसे इट्स लाइक अ ऑपोजिट पोज। ये सब जो नेक की एक्सरसाइजेस है ना, दीज आर वेरी गुड फॉर सर्वाइकल। जो जिसको भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ये कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 from the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Then ये ऐसे अपने फोर हेड से, वही ऑपोजिट फोर हेड, और ये हाथ एक दूसरे का पोज कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ठीक है। फिर एक और, जिनको सर्वाइकल है ऊपर या नीचे मूवमेंट देखने में प्रॉब्लम होती है, वो पूरा नीचे तक ले जाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो हाफ पे रखेंगे। बाकी सब लोग सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोशिश करनी है चेन चेस्ट को लगे। देन अप पीछे बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डन। इससे पूरा नेक कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर शोल्डर के लिए, विल शोल्डर सेंटर में ले जाते हैं आउटवर्ड्स एंड देन अपवर्ड। जब हम ऐसे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, और चेस्ट उठता माउथ, ठीक है, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज। सो विल डू पूरा मूवमेंट क्लॉक वाइज अगेन 20 काउंट्स, ठीक है, एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। पूरे आर्म्स की मसल्स के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम शोल्डर, पूरा फोर आर्म बैक आर्म दोनों के लिए नॉर्मल है। ये तो जोर लगा के करना है, इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक कि अगेन हम अपनी बॉडी को अपोज कर रहे हैं, उसको हमने होल्ड किया हुआ है, एंड देन वी आर पुशिंग इट अगेंस्ट इट। सो
वन नेक रिलैक्स कीजिए, नेक रिलैक्स कीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ट्वेंटी तक ले जाइए एंड देन बैक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन वही ट्वेंटी तक ले जाएंगे, ठीक है, सिंपल है ये तो, सिंपल है। फिर और हम क्या कर सकते हैं, मतलब योगा के आसन के उसमें मैं बता रही हूँ आपको, आर्म्स की एक्सरसाइजेस भी है, जैसे आपने आर्म एक्सरसाइज कर ली उसके बाद यू वांट टू गिव इट अ लिटिल रेस्ट, स्ट्रेचिंग की जरूरत क्यों होती है, गाड़ी चलाते हैं जब हम गाड़ी चला रहे होते चला रहे तो चलाते हैं इमरजेंसी ब्रेक लगा देते हैं तो क्या होता है हर्ट, वही हमारी बॉडी के साथ होता है, वो नहीं करना, हमको उसको स्लोली स्लोली रिलैक्स करना, ठीक है। तो अनदर आसन इज ए, मैं बेसिक और एडवांस दोनों बताऊंगी, यू कैन सी व्हाट यू वांट, ऐसे बैठना है ठीक है, गोमुख आसन बोलते हैं इसको, और इस तरीके से मैं भी पीछे करके भी दिखाऊंगी, दिस इज अ बेसिक वर्जन, ठीक है, अपने आर्म्स को मैं तो हाथ को पकड़ने की कोशिश करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, फिर अपना पैर चेंज करके जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगा, मतलब अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, और एडवांस वर्जन इसका ये है, इसकी जरूरत नहीं है हमको, बट लेकिन पैर पर जिनको दिक्कत है वो नहीं करें, कोई पैर ठीक है। इसके बाद नॉर्मल अब तो सिर्फ रिस्ट रेडी है, रिस्ट को के लिए रिस्ट एक्सटेंशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर साइड में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, इतना स्ट्रेचिंग इनफ है, शोल्डर की और भी होती है, नेक की और भी होती है, बट आफ्टर आर्म्स इफ यू डू दिस फॉर फाइव टू सेवन मिनट्स ठीक है, तो आई जस्ट स्टार्ट विद लोअर बॉडी का वार्म अप लेकर बता देती हूं, जस्ट क्वाइट सिंपल, बैक की तरफ हम दो बार वन टू होल्ड कर लें, नीचे कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिलैक्स, ऐसे थ्री टाइम्स कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन रिलैक्स, देन ऑल्टरनेटली एक को ऊपर रखना है, एक को नीचे होल्ड करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फिर उसके बाद अपने नीज को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ऐसे दोबारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थ्री टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है, फिर अभी हम लोअर बॉडी से ही चलते हैं, तो मैं ऐसे करके बताती हूँ, दिस इज व्हाट वी कॉल अ बटरफ्लाई, हाफ बटरफ्लाई, चेस्ट तक लाने की कोशिश, ठीक है, अगेन विद द अदर लेग ऐसे ही करना है, अपने चेस्ट तक लाने की कोशिश धीरे धीरे करें, हाथ के लगा के नीचे नहीं हो रहा है तो अब उधर जाने की कोशिश करें, उसके बाद वी डूइंग दिस दोनों को जॉइन करेंगे, देन दिस इज अ फुल बटरफ्लाई स्ट्रोक, मतलब जो हम कर रहे थे आगे तो हाफ बटरफ्लाई, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन, जब होने लगेगा तब ये टच कर देगा गाइस, मैं आपको आवाज आ रही है, फिर इसी तरीके से जब हम लोअर बॉडी कर लेते हैं फिर साथ साथ हम बैक स्ट्रेचिंग भी कर लेते हैं, तो बैक स्ट्रेचिंग के लिए क्या करना है, आप इसको पकड़ लें पहले दोनों पंजों को ऐसे, फिर उसके बाद एड़ी ये एल्बो जो है वो अंदर आएंगे और माथे को सर से लगाने की कोशिश, ठीक
रुकिए और फोल्ड करके रखना है। ब्रेकिंग के बारे में बहुत लोग बताएंगे, पीछे ग्रुप्स में कई लोगों को कंफ्यूजन भी है इसके बारे में जो हमने बात की थी। वैसे तो प्राणायाम सब सुनते हैं, सब करते हैं, लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और कुछ नहीं है। तो देर आर थ्री बेसिक टाइप ऑफ ब्रीथ जो हम यूज करते हैं इसमें। देखो ब्रीथिंग का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं स्लाइड्स के साथ फिर सिखाऊंगा ब्रेकफास्ट। ब्रीथिंग जो है हम नॉन माइंडफुल तरीके से ऑटोनोमिकली करते रहते हैं। नेचर ने भी इसको ऐसे बनाया है कि इंसान के हाथ में दे दिया होता इंसान सांस लेना भूल भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सबसे मेजर एक नर्व होते हैं, उसे वेगस नर्व बोलते हैं। इसको हिंदी में संतों की नर्व भी बोलते हैं। बेसिकली हमारी ब्रेन को हमारी बाकी बॉडी से, स्पेशली लंग्स और हार्ट और उसके अलावा इंटेस्टाइन पूरी और देयर मेनी अदर ऑर्गन, जहाँ ये वेगस नर्व सप्लाई करती है। इसीलिए इसको संतों की नर्व बोला गया है। कि जितने संत हुए हैं, जितने फेमस संत हुए हैं, या जो इससे आप जानबूझ के अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करके आप वेगस नर्व को कंट्रोल करके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो अपनी मर्जी से। लोग बोलते हैं बीपी बढ़ गया, ये हो गया, बीपी और हार्ट रेट को भी आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे बताते हैं, जब हम लोग नॉर्मली अभी आप बैठे हो सांस ले रहे हो, तो एक आदमी 12 से 14 बार सांस लेता है एक मिनट के अंदर, इसे ब्रेथ रेट बोला जाता है। जब एंक्शियस होते हो, जब एक्सरसाइज अभी कर रहे हो, या किसी तरह का स्ट्रेस होता है, एक्सरसाइज भी एक एक्यूट स्ट्रेस है, तो जानबूझ के हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी में बुरा नहीं है, एक्यूट स्ट्रेस अच्छा होता है, इसे फ्राइट फ्लाइट रिस्पॉन्स बोलते हैं, इसमें भी वेगस नर्व का रोल है। तब आपके जो जब स्ट्रेस में होते हो तो सारे इम्यून सिस्टम अपग्रेड हो जाता है, अपसाइकिल हो जाता है, सारी बॉडी अपसाइकिल हो जाती है, आपके हार्ट वार्ट सब अच्छे से काम करने लगते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा जानबूझ के स्ट्रेस हम एक्सरसाइज से प्रोड्यूस करते हैं। बट ये स्ट्रेस जब क्रॉनिक रहता है तब प्रॉब्लम आती है। तो जैसे भी एक्सरसाइज कर रहे थे आप, कितनी देर से सांस ले रहे थे, ऐसे ही होता है जब आप एंग्शियस होते हो, जब आपको स्ट्रेस, कभी एक्सीडेंट देख लिया, फोन आ गया, जल्दी जाना है, आपकी ब्रेथ रेट आपको पता नहीं चलता 14 से 20 30 35 तक पहुंच जाती है। और नॉर्मली क्रॉनिक स्ट्रेस में भी हम लोग ऐसी ब्रीथ ले रहे होते हैं, शैलो एंड फास्ट, पता भी नहीं चलता ले रहे, क्योंकि ऑटोनॉमिक ध्यान तो कहीं और है। तो अगर हम इसको माइंडफुली कर लें, चाहे सुबह के 10 मिनट निकाल के भी कर लें, तो आप देखोगे ओवरऑल आपका दिन अच्छा जाने लगेगा। स्ट्रेस का इफेक्ट, स्ट्रेस तो स्ट्रेसर्स तो आपके हाथ में नहीं है, बट उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम पड़ेगा। इसको करना कैसे है, सिंपल वे है, एक हमने नाम दिया वाटर ब्रीदिंग, जो पानी है जो सारा दिन जब मर्जी पीते हैं ना। दूसरा विस्की ब्रीदिंग, नॉर्मली विस्की लोग कब पीते हैं, रात को सोने से पहले। और एक है कॉफी ब्रीदिंग, वो कब पीते हैं, सुबह उठते ही या एक्सरसाइज करने से पहले। कॉफी ब्रीदिंग हमें यूज करने की जरूरत नहीं है, बट वैसे बता देते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज होगी वाटर ब्रीदिंग। उसमें करना क्या है, 4 की काउंट पे इनहेल करना है, यानी 4 सेकंड लगेंगे इनहेल में, 2 सेकंड रुकने में लगेंगे पॉज, एंड 4 सेकंड एक्सहेल। ये मुंह से कर लो, नाक से कर लो, आप पीछे। ये भी कोई नई टेक्निक नहीं लाया हूं मैं, सिंप्लीफाई किया है, हमारे भगवत गीता में और वेदों में लिखा है कुंभक थेरेपी के बारे में। जब हम इनहेल करते हैं उसको बोला जाता है पूरक, पूरक। उसके बाद होता है कुंभक, अंदर आंतरिक कुंभक, यानी जब हम पॉज ले रहे हैं, जब सांस अंदर रुक रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई जा रही है, इसे आंतरिक कुंभक बोलते हैं, अंतरा कुंभक। फिर होती है रेचक, यानी एक्सहेलेशन। देखो कितना डीप था वैदिक साइंस, सिर्फ सांस लेने को भी पूरा साइंटिफिकली बताया। और उसके बाद होते हैं बाह्य कुंभक, जब आप नेक्स्ट ब्रीथ ले रहे हो उससे पहले भी आपका एक छोटा सा पॉज होता है, आपको पता नहीं चल रहा होता है सबके पास। अब इसको हम जानबूझ के मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे, अब 4-2-4 क्या किया आपने, जब तो आप जानबूझ के एक पूरा सांस लेने में 10 सेकंड लगा रहे हो, लग रहे हैं ना, 4-2-4 10 सेकंड लग गए, तो एक मिनट में आप कितने सांस लोगे, 6 या 7, गलत भी कर लोगे, जल्दी भी कर लोगे, 7 हो जाएंगे। तो आपने ब्रेथ रेट जानबूझ के आधी कर दी। अब वेगस नर्व के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे लंग्स पे, हार्ट पे, जैसे हमारी गाड़ी में सेंसर्स है, ऐसे यहाँ रिसेप्टर्स है। तो उस रिसेप्टर से ब्रेन को सिग्नल जाता है, तो बहुत स्लो सांस ले रहा है, इसको तो कोई स्ट्रेस नहीं है। तो फिर ब्रेन ऐसे केमिकल, हाइपोथैलेमस ऐसे केमिकल स्टोर था बॉडी में,
जो रिलैक्सेशन में काम है, यानी आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, गुस्सा कम आएगा। तो ये जान बूझ के माइंडफुली हम कर सकते हैं, इसलिए वाटर ब्रीदिंग कभी भी कर सकते हो, गाड़ी चला रहे हो, ट्रैफिक में हो, तब भी कर सकते हो। विस्की ब्रीदिंग जिनको स्लीप इश्यूज है, नींद की प्रॉब्लम है, उनके लिए इसमें करना क्या है, इसमें इनहेलेशन तो चार की होगी, पॉज 2 सेकंड का होगा, एक्सहेलेशन स्लो होगी 8 तक, 4 to 8, छोड़ना बहुत स्लो है। तो माइंडफुली करते रहोगे तो इससे नींद अच्छी आती है, क्योंकि इससे ये ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये वेगस नर्व और ज्यादा स्लंबर में चले जाते हैं, तो वो वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं बॉडी में जो नींद लाने में कारगर होते हैं। और अब कॉफी ब्रीदिंग, सुबह उठ रहे हो, एक्सरसाइज से पहले आप कर सकते हो, जैसे हम ब्लैक कॉफी पीते हैं बहुत लोग एक्सरसाइज से पहले, ये हार्ट रेट बढ़ाने के काम आता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का काम आता है। इसमें सिर्फ फोर्सफुल एक्सपायरेशन होते हैं, बाहर निकाला जाता है, जैसे प्राणायाम में भस्त्रिका करते हैं उसी टाइप से, इसमें आप सांस खींच नहीं रहे, ऑटोमेटिक चली जाएगा। तो आप इसको करोगे तो आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, आपका ब्रेन अवेयर हो जाता है कि आप एक्सरसाइज करने का मौका आ रहा है। तो ये 3 तरह की ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। अब कुंभक, मैंने पीछे एक वीडियो भी अपलोड किया था, जब मैं स्विमिंग, अब तो बंद होगी स्विमिंग करने में, फायदा होता है पानी के अंदर चीटिंग नहीं कर सकते सांस के साथ, ठीक है, पानी के अंदर सांस ले नहीं सकते, तो वहां प्रैक्टिस करता था, मैं अपने सांस को 90 सेकंड तक भी होल्ड करने लग गया था। इसे कहते हैं केवल कुंभक, यानी इनहेलेशन नहीं होता इसमें, सिर्फ कुंभक ही होता है। क्या होता है इससे फायदा होता, तो आपने सांस लिया, होल्ड किया, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो करो। अब इसमें आप ओम का इमेजिनेशन करना है, आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना है, जो मर्जी करो, तो अपने चक्रों को भी वो कर सकते हो। तो कुंभक में क्या फायदा होता है, जब आप इतनी देर तक ऑक्सीजन नहीं दे रहे अपने हार्ट को, लंग्स को, तो आपकी बॉडी एक मोड में चले जाती है, हाइपोक्सिक मोड में कहते हैं, हाइपोक्सिया क्रिएट कर रहे हो जानबूझ के लंबी देर तक, तो हार्ट की रेट स्लो हो जाती है, वो उस मोड में चले जाते हैं सर्वाइवल मोड में, कि सांस नहीं मिलेगा तो क्या करना है, लंग्स की रेट स्लो हो जाती है, यानी आप इन ऑर्गन्स को रेस्ट देते हो। दूसरा, इसके थ्रू हाइपोक्सिया जब क्रिएट करते हो, आपकी बोन मैरो अपग्रेड हो जाती है, इम्यून सेल्स बाहर आ जाते हैं जिनको लड़ना है बीमारियों से, आपकी ब्लड बनाने की क्षमता, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल को करनी है, आपने जानबूझ के हाइपोक्सिया क्रिएट कर दिया, वो अपग्रेड हो जाएगी, एक केमिकल हो रहा है इरेथ्रोपोएटिन जो हमारी किडनी सेक्रेट करती है, जिससे हमारी बोन मैरो और ब्लड सेल्स बनाती है, इम्यून सेल्स बनाती है, अब जानबूझ के हाइपोक्सिया क्रिएट कर दिया तो वो भी एक्टिवेट हो जाती है। तो एक तरह से बिना सांस लिए सिर्फ और बिना एक्सरसाइज किए, सिर्फ सांस को रोक के भी आप एक्सरसाइज से भी ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हो, प्रोवाइडेड इसको रोज फॉलो करो, चाहे 10 मिनट ही करो। जिनको कंफ्यूजन थी ग्रुप में बहुत लोग थे, वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं ब्रीदिंग की टेक्निक पे तो प्लीज पूछिए, नहीं उसे भी कर सकते। वैसे एक्सेल एक्सरसाइज के टाइम मैं यूज करता हूँ, मेरी पर्सनल चॉइस है मुझसे, क्योंकि मेरे को लगता है इससे मेरा एफर्ट ईजी हो जाता है, ज्यादा स्टेमिना बढ़ता है। नाक से योगा में यूजली नाक से ब्रीदिंग के टाइम पे सिर्फ नाक से कीजिए, जब आप ये वाली एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ब्रीदिंग के लिए आप नाक को यूज कीजिए, एक्सरसाइज के लिए आप जो आपकी प्रेफरेंस चॉइस हो। तो 4 to 4 ब्रीदिंग आप पूरे दिन कभी भी करते रहो, जब खाली टाइम मिला है। इससे एक तो जो ये बोलते हैं ना, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो जाती है ऑटोमेटिक, मंकी माइंड बोलते हैं ना बुद्धिज्म में, जाकर मंकी माइंड बोलते हैं, ये माइंड ही हमें कहीं कहीं भगाता रहता है मंकी की तरह। ये मंकी ऐसा होता है कि जैसे बच्चे हमारे बच्चे हैं, इनको कोई काम दे दो तो ये बिजी है, ये आपको तंग नहीं कर रहे, नहीं तो माइंड ही स्ट्रेस क्रिएट करता रहता है, इसको काम दे दो ये मजे से वो खेल रहा था एडन तो खेलेगा, अब इसको फ्री कर दोगे तो ये फिर मंकी की तरह हड़दम मचाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ के स्ट्रेस का लेकर मुला परसों। तो ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बुद्धिज्म इसीलिए बोलता है स्ट्रेस के। अब इसको आप नाक बंद करके कर लो, आंख खोल के कर लो, वो कोई नहीं बोलते, जितने आप दलाई लामा की बात सुनो बोलते हैं खाना खाते वक्त पैदल चलते वक्त भी मेडिटेशन हो सकता है, तो उसमें भी ये हेल्प करती है आपको इस तरह की ब्रीदिंग, क्योंकि आप माइंडफुली जानबूझ के अपने वो मंकी माइंड को ब्रीथ के ऊपर लिया है ना, सोच के कर रहे हो ना ब्रीदिंग, चाहे 10 मिनट ही सी, तो वो ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो गई होती है। वाटर ब्रीदिंग को इसलिए नाम दिया, कभी भी कर सकते हो, कुंभक बेहतर रहता है खाली पेट की, कुंभक खाली पेट कर सकते हैं, हाँ थोड़ा गैप होना चाहिए, क्योंकि जो डाइजेशन है थोड़ा सा स्लो, क्योंकि क्या होता है डाइजेशन के लिए हमें सारा ब्लड चाहिए इंटेस्टाइन और उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए मेटाबॉलिज्म को डाइजेस्ट होने में, उस वक्त शायद नहीं करना चाहिए, ठीक है। कैसा लगा आपको आज का सेशन, व्हाट आर योर फीडबैक्स, ये अपना पहला सेशन था हमारा ये फर्स्ट, और मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया, ये सब मेरे ऑटोमेटिक या स्पॉन्टेनियस जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, जो एक्सरसाइज वही आपके सामने रखी, बट एक चीज है फुल बॉडी फॉलो करोगे तो बिना इंजरी के ज्यादा एफर्ट ज्यादा चीजें लोगे, जिम इंस्ट्रक्टर्स की बात सुनते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। और हाँ,
इंस्ट्रक्टर से याद आया हमारा एक टॉपिक रह गया न्यूट्रिशन, डॉक्टर गरम गुप्ता ने प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन। देखिए प्री एंड पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन मतलब कि जब भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उससे पहले कैसा खाना खाना है, वर्कआउट के बाद कैसा खाना खाना है, ये डिपेंड करता है द काइंड ऑफ वर्कआउट यू आर डूइंग। और टाइम भी इम्पोर्टेंट है कि कितना पहले खाना है और कितना क्या दे रहे हैं। देखिए इफ यू आर डूइंग समथिंग वेरी लाइट मतलब कि जिसमें आप ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इट्स अ स्लो योगा कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, इस तरीके का अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें वन आवर पहले आप कुछ खा सकते हैं। वन आवर के का उसमें भी ध्यान दीजिए वन आवर का। और आप क्या चीजें खा सकते हैं, ऐसी चीजें खाइए जो इजीली बॉडी डाइजेस्ट कर देती है, जिसको उस टाइम पे हमको बहुत हाई प्रोटीन जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोटीन होगा चलेगा, लेकिन आप एक फ्रूट जो इजीली आपकी बॉडी इसकी शुगर डाइजेस्ट कर सकती है, तो यू कैन कंबाइन जैसे एक फ्रूट ले लिया साथ में एक नट बटर नट्स ले लिए, नट्स के साथ कोई ड्राई फ्रूट ले सकते हैं जैसे थोड़ा सा रीजन ले लिया, एक डेट ले लिया, क्योंकि शुगर चाहिए बॉडी को वर्क करने के लिए, उस टाइम पे एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो इसी के लिए प्री वर्कआउट जरूरी है। अगर आप बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए डेढ़ से दो घंटे पहले आपने अपना मील ले लिया, इट कुड बी अ बिगर मील, जैसे आप ओट मील ले सकते हैं, ओट्स को कंबाइन कर लीजिए विद सम प्लांट मिल्क, उसके साथ नट्स एंड सीड्स, इस तरीके की चीज आप ले सकते हैं, कोई आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो चाट ले सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द वर्कआउट उसका टाइम और द काइंड ऑफ थिंग दैट यू आर ईटिंग वो डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादा वर्कआउट करें तो हम थोड़ा सा हाई साइड ऑफ कैलोरीज आ सकते हैं, इसलिए मैंने ओट मील या फिर आपको स्वीट पोटैटो कर दिया। ये चीजें इसलिए अच्छी है बिकॉज दे आर इजीली डाइजेस्टेबल, फटाफट बॉडी उनको डाइजेस्ट कर देती है और आपका वर्कआउट अच्छा देती है, आपका डाइजेशन बीच में इंटरफेयर नहीं होता है। हाई फैट चीज नहीं लेनी है, डोंट गो फॉर डू समथिंग लाइक कि अच्छे खासा पराठा खा लिया या कुछ भी घी या तेल वाली ऐसी चीज खा ली, वो नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज जब आप वर्कआउट कर रहे हैं बॉडी को सारी एनर्जी तो फैट डाइजेशन के लिए यूटिलाइज करनी पड़ता है, तो यू नॉट बी एबल टू वर्कआउट आउट, ठीक है। पेट में आपको यू नॉट फील कंफर्टेबल, यू फील ब्लोटेड और आपको यू नो वो फील होता है। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की, पोस्ट वर्कआउट मील भी उसी तरीके से डिपेंड करता है। आपने स्वीट पोटैटो चाट ले ली, स्वीट पोटैटो ले लिया, नई तरीके की चीजें ले ली, या फिर आप थोड़ा सा प्रोटीन भी कंबाइन कर सकते हो उसके साथ, जैसे कि जो हम चिया सीड पुडिंग और ओट्स के साथ करते हैं, ओट्स चिया पुडिंग प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ आप इस तरीके की कोई भी चीज कर सकते हैं। अगर आप हाई इंटेंसिटी कर अगर नॉर्मल है तो वन आवर, और अगर आप हाई इंटेंसिटी कर रहे हैं तो मिनिमम 1:30 to 2 hours 2.5 hours उससे पहले ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट की बात, पोस्ट अब एज सून आफ्टर योर वर्कआउट यू कैन हैव अ मील, क्योंकि आपने वर्कआउट किया हुआ है अच्छा, इस टाइम पे बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है। पोस्ट न्यूट्रिशन में दो चीजों का खास ख्याल रखना है, प्रोटीन तो देना ही देना है बॉडी को, क्योंकि देखिए जब हमें अपने मसल्स को यूज किया है ना, मसल रिकवरी के लिए तीन चीजों की जरूरत है, हाइड्रेशन, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जब भी आपने पोस्ट वर्कआउट किया है उसके बाद कुछ भी घर पे कोई स्ट्रेनुअस काम नहीं कीजिए, कि कोई भारी सामान आप उठा के इधर से उधर रख रहे हैं या यू नो कुछ और पुशिंग और वो सब कर रहे हैं। ट्राई टू रिलैक्स योर बॉडी फॉर एटलीस्ट 30 to 40 minutes, तभी इसको बॉडी को मसल्स को रेस्ट मिलेगा, ठीक है। जो वियर टियर हुआ है उसको रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए ना बॉडी को, तो ट्राई गिव इट रेस्ट। तो ये फर्स्ट बात हो गई रेस्ट। दूसरी हाइड्रेशन, मसल्स को हाइड्रेशन की बहुत जरूरत है, पानी की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो उसके बाद यू ड्रिंक अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, एक टाइम पे सारा सारा नहीं पीना है, आप थ्रू आउट द वर्कआउट भी स्मॉल स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर पीते रहिए, एकदम से ज्यादा नहीं करना है, स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर पीते रहिए। और उसके बाद भी मेक श्योर कि आप जब वर्कआउट करके निकल रहे हैं यू आर ड्रिंकिंग वाटर। बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया है, बहुत स्वेटिंग हुई है, कोई शुगर बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप साथ साथ में ड्यूरिंग योर वर्कआउट यू कैन ड्रिंक नारियल पानी या फिर यू कैन ड्रिंक इलेक्ट्रोलाइट वाटर। जिन लोगों को लो बीपी की टेंडेंसी होती है, कहते हैं ना कि बीपी लो हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट वाटर इज रियली गुड। ओआरएस की ओआरएस का सैशन जो है 24 1 liter की बॉटल में घोल लीजिए एंड थ्रू आउट योर वर्कआउट फिर धीरे धीरे ड्रिंक करते हैं, और जो बच गया उसको पोस्ट वर्कआउट करना है। तो रेस्ट और हाइड्रेशन ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरी वर्कआउट होती है कि मसल को हमको ग्रोथ के लिए जो हमने वर्कआउट किया है उसकी ग्रोथ के लिए रिपेयर के लिए बॉडी को क्या चाहिए होता है, प्रोटीन। हम हाई प्रोटीन मिथ में नहीं जाते हैं कि हमको बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन चाहिए, आपकी बॉडी को 1.2 to 1.5 gram per kg की रिक्वायरमेंट, ऐसा नहीं होता है। 1 gram डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वी आर लीड, अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं तो 0.8 gram per kg बॉडी वेट इज इनफ, आपको उससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अगर बहुत ही एक्टिव लाइफस्टाइल है, यू आर टोटली फिजिकल की आपका वर्क भी आपको मतलब अदर देन वर्कआउट ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन द टाइम, यू नो साइकिलिंग ऑन द टाइम, तब हम देखना चाहते हैं इसको 1 to 1.2 gram per kg के हिसाब से, ठीक है। तो अभी अब जब हमने वर्कआउट कर लिया उसके बाद हमको बॉडी को जब न्यूट्रिशन देना है, अगेन वी हैव टू गिव इट सिंपल कार्ब्स, कार्ब्स देने हैं पहले बॉडी को। क्यों देने हैं ये कार्ब्स, क्योंकि
हम चाहते हैं कि जो भी हम प्रोटीन खा रहे हैं ना वो सारे हमारे मसल रिकवरी में यूज हो, हमारे टिश्यू जो वियर टियर हुए हैं उसकी ग्रोथ मेंटेनेंस में यूज हो। हम ये नहीं चाहते कि वो जो हमने एनर्जी स्पेंड की है उसमें यूज हो, क्योंकि उसमें यूज हो जाएंगे तो प्रोटीन इन चीजों के बाद कम जाएगा। तो उसके लिए हमको बॉडी को देना है कार्ब्स, जो कि अगेन हम फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट दे सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आपका वर्कआउट का टाइम आपके डिनर टाइम या लंच टाइम के पहले है, उसके बाद जो आपकी नॉर्मल मील है जिसमें फैट्स भी है प्रोटीन्स भी है कार्ब्स भी है, आप अपना वो लंच जिस अपना लंच या डिनर जो भी नॉर्मल मील है। एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए अभी आई शो यू ऑप्शन जिसके लिए आप जैसे साथ में चना सत्तू विद अ पीनट विद सम कर्ड प्लांट बेस्ड कर्ड कंबाइन करके वो ले सकते हैं। अगेन चिया सीड्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो चिया सीड्स हेम्प सीड्स इनको आप कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन गो फॉर ऑल द सबसे अच्छा टोफू होता है वीगन्स के लिए, सबसे अच्छा प्लांट प्रोटीन होता है क्विनोआ और आपका हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, नट्स एंड सीड्स एंड योर सोय बेस्ड प्रोडक्ट्स। तो सोय बेस्ड प्रोडक्ट्स जो भी हैं आपके टोफू है, टेम्पे है, आपका सोयाबीन दाल है या आपकी सोया चंक्स है, ये जरूर कंबाइन कीजिए अपने मील, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, कीनोआ इंक्लूड कर सकते हैं, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ ओट्स, इज आल्सो अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बाकी अमरंथ जो मिलेट्स में अगर हम बात करें, अमरंथ इज अ वेरी गुड सोर्स। तो ये सब ये हमको मेक श्योर करना है कि जो हमारी पोस्ट वर्कआउट मील हो ना उसमें अच्छा प्रोटीन है, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी मील को कंबाइन कीजिए, आप अपना जो रोटी दाल चावल जो भी लेते हैं साथ में वो लीजिए, मेक श्योर देयर इज अ प्रोटीन सोर्स लाइक आई सेड इन द फॉर्म ऑफ सोय और समथिंग, कुछ नट्स एंड सीड्स की प्रिपरेशन हो, यू नो इस तरीके से। तो दिस इज हाउ योर पोस्ट वर्कआउट मील हैज टू, ये मत सोचे कि खाली प्रोटीन प्रोटीन लेना है, आपने खाली टोफू ले लिया या फिर खाली कर्ड्स ले लिए, खाली इस तरीके की सारी प्रोटीन बेस्ड चीजें ले ली और कार्ब्स को नेग्लेक्ट कर दिया, वो नहीं करना, कार्ब्स की भी अपनी इंपॉर्टेंट है। हाँ लेकिन कोशिश कीजिए कॉम्प्लेक्स इस टाइम पे वी कैन टेक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे पहले मैंने बोला था कि सिंपल कार्ब्स ले सकते हैं, फैट्स आई और फ्रूट्स ले सकते हैं, स्वीट पोटेटो ले सकते हैं, इस टाइम पे कोशिश कीजिए कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने की बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ मिलेट्स, जैसे ये सब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जो भी हमारे होल ग्रेन्स होते हैं, पल्सेस होते हैं, लेग्यूम होते हैं, चना चाट, स्प्राउट चाट, ये सब जो भी चीजें होती हैं हमारी, दीज आर ऑल कॉम्प्लेक्स कार्ब्स प्लस प्रोटीन, तो दिस बिकम्स अ गुड सोर्स ऑफ योर पोस्ट वर्कआउट। बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ रॉ नट्स एंड सीड्स ले सकते हैं, बट सोक करके लीजिए बिकॉज डाइजेस्टिबिलिटी एब्जॉर्प्शन बेटर होती है, एंटी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। तो ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हैं मॉर्निंग में उतनी कर रहे हैं, तो आप एक फ्रूट ले लीजिए साथ में, नट्स एंड सीड्स ले लीजिए साथ में, ठीक है। अगर तो देखिए आप घर पे नॉर्मल योगा करें, अगर हम हरी योगा की बात करें तो बाला का आपने 5 बजे उठ के ये सब खाया, 6 बजे आपका वर्कआउट, ठीक है। और अगर आप ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फिर आपको गैप ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, मील भी जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी क्वांटिटी या अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा और गैप भी बढ़ाना, ताकि आपकी बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं हो। हाँ तो योगा तो आप खाली पेट भी करो, इफ यू जस्ट डूइंग योगा खाली पेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अगर आप ये वर्कआउट कर रहे हैं तो खाली पेट नहीं कीजिए, क्योंकि फिर बॉडी को थोड़ा एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए करने के लिए। योगा कर लीजिए खाली पेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस योगा में आप एकदम से 100-200 सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, हाँ पर लेकिन तभी मैंने बोला फ्रूट भी ले लेंगे, थोड़ा सा अच्छी चीज ले लेंगे, लेकिन कोई अगेन एंड कमिंग, कि अगर आप सूर्य नमस्कार सपोज आप सोच रहे हैं कि आज मैं पूरा दिन योगा में 1 घंटे 300-500 सूर्य नमस्कार करूं, तो इट्स बेटर कि 1.5 घंटे पहले 1.5-2 घंटे पहले आप थोड़ा सा एक छोटा नींद ले लीजिए एंड देन यू डू इट, और फिर उसके बाद आप पोस्ट वर्कआउट कर लीजिए। एनी अदर डाउट रिगार्डिंग, नहीं मैंने बोला पोस्ट वर्कआउट कुड बी अ प्रॉपर मील, इट कुड बी लाइक योर लंच एंड डिनर ऑल्सो, इट कुड बी एनीथिंग, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि कैसा वर्कआउट हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ कैलोरीज एंड द न्यूट्रिशन यू नीड, क्या एज है, क्या यू नो बॉडी कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस है, हमको किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है उसके हिसाब से। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो ये हमने अभी आज किया है, जैसे मैं आपकी लिस्ट भी दूंगा, तो 6 एक्सरसाइज आपने कर ली, जैसे 12 एक दिन में ऑलमोस्ट 10 से 12 एक्सरसाइज हो जाएगी अगर पूरी बॉडी में फोकस करूँ, तो इसमें मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ, मैं एक मीडियम बाउल स्प्राउट्स का लेता हूँ, साथ में ग्रेवी आपकी मूंगफली एंड साथ में आप टेस्ट कराएंगे कांजी, तो सुबह सुबह ही प्रोबायोटिक भी मिल जाती है। दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कितना खाना है, कितना 2 ग्राम 5 ग्राम 7 ग्राम, इसकी तो सब प्रोटीन की बात करते हैं, ये नहीं देखते कि हमारी गट का क्या हाल है, वही खाना 4 गुना एब्जॉर्ब हो सकता है अगर आपकी गट उसको एक्सेप्ट करने के लिए बैठी। सुना होगा ना बहुत सारे लोग हैं कम खाते फिर भी मोटे हो जा रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत खाते फिर भी नहीं कुछ हो रहा उनको मोटे हो रहे, क्योंकि उनके गट माइक्रोबायोम का जो प्रोफाइल है
जैसे हमने पिछले सेशन में ग्रुप्स में जो लोग हैं आपको पता होगा, हम लोग प्रोत्साहन प्रोग्राम में फर्मेंटेड फूड, लाइव फर्मेंटेड फूड बहुत स्ट्रेस करते हैं। जैसे मैं कांजी खत्म नहीं हो गया था अपने घर में, स्प्राउट्स हैं और भी कई रेसिपीज हमने शेयर की है। हमारा एक्चुअली ये 12 हफ्ते का प्रोग्राम है, जो लोग इस ग्रुप से नहीं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सीखे सेशन 12 हफ्ते का हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है फॉर कम्प्लीट रिवर्सल ऑफ योर डिजीज। उसमें हम प्रॉपर ब्लड टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर गरिमा में उसको एनालाइज करते हैं, उस बीमारी उस रिपोर्ट्स के हिसाब से आपकी डाइट चेंज डिजाइन होती है। नॉट जस्ट कि सबको एक ही डाइट देगी, सबको एक एक्सरसाइज देगी। जैसे ये एक्सरसाइज सबको, ये एक्सरसाइज अगर थायराइड पेशेंट करेगा उसको बहुत बेनिफिट नहीं मिलने वाला अगर उसको ये कंबाइन नहीं करेगा कार्डियो के साथ। क्यों? आपको मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना पड़ेगा, थायराइड के ऊपर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। लोग बोलते हैं थायराइड की दवाई बंद नहीं होती, ऐसा नहीं है, बंद हो सकती है, हमने की है, प्रोवाइडेड यू पुट दैट मच एफर्ट। और क्या होता है डायबिटीज में भी, इसमें भी, जितनी एंडोक्राइन डिजीजेज है जहाँ पे ग्लैंड्स कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें जब हम बाहर से दे देते हैं, जैसे इंसुलिन बाहर से दे दी, ऐसी दवाई दे दी जो इंसुलिन बढ़ाने में काम करती है, या आपने थायराइड के लिए बाहर से थायराइड हार्मोन देते हैं हम T4 जिसे कहते हैं थायरोक्सिन बाहर से दे दिया हमने। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये हमारी तरह इंसान जैसे है ना, फ्री में तनख्वाह मिल जाए तो हम काम ही ना करें, निकम्मे हम। एग्जाम से पहले आपके बच्चे पढ़ते ही नहीं, वही वाली बात है, ठीक है, इनकम टैक्स की लास्ट डेट आती तब सीए के यहाँ भीड़ लगती है, प्रेशर ही नहीं क्रिएट होता। तो आप क्या बाहर से हार्मोन दे दिया, अब ग्लैंड बोल रहा है मैं क्यों काम करूं जब बाहर से मिल रहा है, वो और निकम्मा होता है। तभी थायराइड की गोली शुरू कर दी तो बंद नहीं होती कभी भी, और TSH लेवल 15 तक माइल्ड रहते हैं जब तक मैं कोशिश करता हूं दवाई नहीं शुरू करता, ऊपर नीचे होंगे वो। जैसे मेरी सिस्टर को है उसका कभी 6 कभी 12 ऐसे चलता है TSH, लेकिन हमने उसकी दवाई नहीं शुरू की। कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं कंट्रोल के लिए, जिस मंथ या जो 2-3 महीने वो अच्छे से एफर्ट कर लेती है, साइकिलिंग कर लेती है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है तो उनकी काफ़ी बड़ा उनका कैंपस है, तो साइकिलिंग से करती है, वहाँ साइकिल से जाती है। तो क्या होता है कि जिस वीक तो बिजी कम है या वो, तो उसका थायराइड लेवल कंट्रोल आ जाता है। जब वो कुछ महीने ऐसी खराब डाइट होगी, बाहर का ज़्यादा ट्रैवलिंग में है, तो फिर वो बढ़ जाता है थायराइड। तो ये हमने कॉमनली देखा, तो ये सिर्फ आपके सस्टेंड एफर्ट की बात है, बस और कोई बात नहीं। तो ये आज हम इसीलिए हम लोग जिनको नहीं पता, हम लोग वीगन यानी कि नो एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं प्रोसन प्रोग्राम में। हमारे डाइट ऐसी ही है सभी बीमारियों के लिए, हाँ उसमें अप एंड डाउन रहता है डिपेंडिंग ऑन डिजीजेस, कैलोरी और क्या चीज़ ज़्यादा देनी है, क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐड करना है, बट बेसिकली वीगन होते हैं। और लोगों को ये लगता है हम उनको बोल दो दूध मत लो, चीनी मत लो और एनिमल प्रोडक्ट मत लो, तो फिर बोलते हम खाएं क्या। तो आज वही इसी तरह का एक छोटा सा हमने मील अरेंज किया आप लोगों के लिए, एक शेयर्ड प्रोग्राम है, मतलब हम लोग पॉटलक करते हैं महीने में एक बार, सारी ग्रुप अलग पॉटलक में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बना के लाते हैं और वो हम आज शेयर करेंगे। तो आपको ये भी बता सकते हैं कि कैसे आज मैं कढ़ी बना के लाया हूँ बिना दही के, ठीक है, विद माटा राइस। जो नॉर्मली आप ब्राउन राइस यूज करते हो ना वो बेकार है, वो बासमती है, बस अनपॉलिश है। एक साउथ इंडिया में यूज होते हैं माटा राइस, मैं वो लाया हूँ, ये पहले सेला राइस यूज होते थे, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा है जैसे अभी आप खा के देखोगे तो आपको फील होगा। जो नॉर्मल बासमती खाते हो एक टाइम पर खूब सारा खाया जाता है और थोड़ी देर में भूख लग जाती है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा है कि वो यूज जाता है एनर्जी सोर्स। और जो माटा राइस है यूं ग्राफ जाता है स्लो, यानी पूरा दिन एनर्जी देंगे, उस वजह से आपसे खाया भी कम जाएगा क्योंकि आपका पेट जल्दी भर देता है, और पूरा दिन स्लोली एनर्जी रिलीज करते हैं, तो शुगर ऐसे स्पाइक नहीं करती जो नॉर्मली शुगर पे, इसी से मोटापा है। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस हम करते हैं प्रोत्साहन प्रोग्राम में, बेसिकली सेल्फ हीलिंग, जो हमारी अडेप्टेशन है बॉडी की। जैसे आज हमने बताया नाइट्रिक ऑक्साइड की बात की थी हमने, हमारी बॉडी खुद ही ठीक करना चाह रही है हमें, हम उसे अलाउ तो करें, सारा दिन तो वो खाते रहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। एक भी प्लांट बेस्ड डाइट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, आप एक भी नाम बताओ। लोग बोलते हैं काजू खाने से मूंगफली खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बिल्कुल झूठ बात है। असली कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है एनिमल से जो प्रोडक्ट्स आए, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, उसके बाद नॉन वेजिटेरियन हो गया, जितना भी नॉन वेज एग्स हो गए, इन सब में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ज्यादा कार्ब्स खाएं, ये भी ध्यान रखें कि ये मत सोचिए कि अगर आप कोई फैट फूड खा ही नहीं रहे, आप सोच रहे हैं कि हम तो घी नहीं खा रहे हैं, तेल नहीं खा रहे हैं, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ज्यादा कार्ब्स खाने से। आप डॉक्टर जी ने काफी वेबिनार्स वगैरह में इसके बारे में बताया हुआ है कि कैसे जब ज्यादा कार्ब्स हम खाते हैं वो फैट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो हाई राइजिंग फैट, अगर हम रोटी ज्यादा खा रहे हैं, मतलब क्योंकि आप देखिए हमारी इंडियन डाइट में ना हमारा सारा फोकस रोटी पे, चावल पे, ये हमारे मेजर पोर्शन होते हैं डाइट के। दाल सब्जी हम बहुत कम लेते हैं, लेते हैं तो वो भी कुक लेते हैं, रॉ फॉर्म में बहुत कम लेते हैं। सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि कार्ब को, जो ये सिंपल कार्ब्स हैं, इनकी मात्रा हमें कंट्रोल करके बैलेंस हमको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देने हैं, फाइबर देने हैं, गुड प्रोटीन देने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हाई क्वालिटी फैट्स देने हैं, जो हम लोग आपको फूल नट्स एंड सीड्स दे रहे हैं। यू नो आपने देखो टाइम कितनी जगह पे, जगह जगह पे नट्स एंड सीड्स रहता है, वक्त रहते हैं नट्स एंड सीड्स, आप कोकोनट, एवोकाडो, ये तरीके के हाई गुड क्वालिटी फैट्स खाने हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं।
ये मिथ है बहुत बड़ा, ये शुगर इंडस्ट्री ये मिथ लेके आई थी कि फैट बढ़ा रहा है से 30-40 साल पहले, और इसके पीछे सबसे ज्यादा जो प्रमोटिंग कंपनीज थी कोका कोला पेप्सी ये थी। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड एफडीए का डॉक्यूमेंट है कैसे इन्होंने हमारी पॉलिसीज चेंज की। आज भी तो बिना बात के हम कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग है बस, और कोई फायदा नहीं हुआ। और अब वो जो हमारे सबसे कह लो वैक्सीन बिलियनियर करण जौहर के साथ उन्होंने 1,000 करोड़ की डील की है अभी रिसेंट, तो बॉलीवुड में जा रहे हैं वो सारा पैसा, सारे देश को बीमार कर दिया हमारी दुनिया की। तो ये पॉलिसी की बात है, पॉलिसी कैसे हम मेक करते हैं बस वो बात है। शुगर को खराब नहीं बोला, तेल को खराब बोल दिया, सफोला जैसी कंपनी आ गई, हमारा जो पुराना कच्ची घनी तेल था सब खत्म कर दिया हमने। तो हम भी वही उगा रहे हैं, अब क्या सोयाबीन क्यों उगता इतना ज्यादा इस देश में, राइस ब्रैन सोयाबीन बस ये ऑयल बेचे जा रहे हैं कि भाई हेल्दी है, काहे के हेल्दी है, चार कच्ची घनी खाओ इतना हेल्दी ऑयल हम सब छोड़ दिया हमने। तो प्रोसीड विद द लाइट ब्रेकफास्ट, उसके साथ हम आपको ये ब्रेकफास्ट करते करते ये स्लाइड्स के साथ ये सिखाएंगे जो आपने आज एक्सरसाइज की है, इसके लिए जो नॉलेज एवं एजुकेशन से मोटिवेशन क्रिएट होगा। आपको पता तो होगा ना क्यों हमने ये सब किया, ये तो सुन लिया मेरे से, मैं स्लाइड्स के साथ आपको ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट बताऊंगा। Thank you.